वेलकम। शुरुआत करते हैं जनाब, आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम प्लेऑफ्स की तरफ आ गए हैं और ऑफिशियली आज का मैच जो है वो मैटर करेगा आगे इन लोगों के लिए, फाइनल्स के लिए। तो देखते हैं क्या करने जा रही है आज की टीमें। हमारा जो आज का मैच है वो है क्यू बाइल कराची लायंस का और 11 मैच इस्लामाबाद ड्रैगन का। जो आज जीतेगा वो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स में जाएगा। अब देखते हैं कि क्या करेंगे ये दोनों। आज हम एक एक करके दोनों को बुलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाएंगे क्यू बाइल कराची लायंस के कप्तान, द वन एंड ओनली हुमायूं सईद। क्या लग रहे हैं आज प्लेऑफ की तैयारी करके। पाकिस्तान का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन क्यू मोबाइल और पाकिस्तान का नंबर वन सुपरस्टार मिस्टर हुमायूं सईद, कैसे मिजाज है सर आपके? खैरियत है? जबरदस्त। बहुत लोगों को लगता है कि आप बहुत नपी तुली किस्म की प्रैक्टिस करते हैं इस पूरे मैचेस के दरमियान, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत अच्छे मशवरे आप देते हैं, तो दिमाग चल रहा होता है ये सब हवा में चल रहा है? ये जो वो गेम है वो मुझे पर्सनली पसंद बहुत है, वो जो सोने गोल्ड बात बनती है वाला, मैं हमेशा से कितने सालों से उसको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो कुछ कोशिश करता हूँ दिमाग चलाने की उसमें कि क्या होना चाहिए, किस तरह। देखते हैं आज कितना दिमाग आपका चलता है, क्योंकि आज अगर चला दिमाग तो आप सेमीफाइनल में कराची को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। और अब हम जिसे बुलाने जाएंगे, सारे कैमरामैन मिलके बोलेंगे गुड़िया, तो फिर प्लीज वेलकम सारा जावे। वेलकम सना, वेलकम अगेन, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? क्या तैयारी है? प्लेऑफ है, इसके बाद सेमीफाइनल में जाना है, अगर आज नहीं गए तो सेमीफाइनल में नहीं जा पाएंगे। क्या करती हो, क्या कर पाओगी? पूरी रात सोई नहीं। सीरियसली? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। देखते हैं क्या होता है, खेलते हैं आज। तो फिर ऑल द बेस्ट। लेकिन ऑल द बेस्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों का ये सफर अभी तक कैसा रहा है। आइए दिखाइए फटाफट से क्या किया इन दो कप्तानों ने। यहाँ आवाज नहीं आ रही। देखिए पहले डब्बे में ना घबराएं, आप बैठ जाएं, आप जज्बाती ना, आप बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, दिमाग ना चलाओ, अभी दिल चलाओ। दिमाग तो बाद में चलाना जब दो तीन डब्बे रह जाएंगे। बचपन से दिल चलाने अभी तक बाज नहीं आया आप हैं। सरफराज तो दो बार इनको बोलो जरा ले 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 ले। देखो सरफराज भी कह रहे हैं आपको ले ले। 6,000 रुपए कम है इस हिसाब से, हुमायूं सईद को 20 रन मिलेंगे। आपको भी फायदा हो गया, मुझे भी हो गया। सना मैच जीत गई तो 1,00,000 रुपए सबको बांटेगी यहाँ पे। तो याद रहे अगर ये जीत गई तो ये 1,00,000 रुपए बांटेंगी पूरे के पूरे कैमरामैन के लोगों, भाई आप लोगों के लिए याद करा दिया। याद कराने के लिए हमने एक्चुअली अपनी जीती। आप देखते हैं क्या कर पाती आज की पहली मोटरबाइक है क्यू केयर की मोटरबाइक। तो फटाफट से दोनों को बुलाएंगे, कराची से एजाज को और इस्लामाबाद से हम बुलाएंगे रानी को। आइए फटाफट से रानी, आइए आइए फटाफट से। और व्हाइट बॉल्स की तरफ जाना भी नहीं है, जिसने ज्यादा ज्यादा रेड बॉल्स पिक करवाई वो यहाँ से लेकर जाएगा क्यू केयर की मोटरबाइक, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने हाथों को सैनिटाइज करना। आंखों में बांध ले पट्टी, फटाफट से पट्टी बांध ले, इतना टाइम नहीं हमारे पास, ये इम्तिहान नहीं चल रहे हैं आपके, वक्त आपके पास 1 मिनट का और आपका 1 मिनट का। हाशिम घुमा इनको और अभी चलिए जल्दी से, बस ठीक है, अपने उल्टे हाथ मोड़ो, क्यों केयर सबके लिए, सीधा आते जाओ। अरे सीधा बोला है मैंने तुम्हें, आते जाओ। अब बस रुक जाओ और अपने सीधे हाथ मोड़ो, अब सीधे आओ, बस रुक जाओ, बैठ जाओ, आगे थोड़े से करो, आखिरी 40 सेकंड रह गए हैं, खड़े हो जाओ फौरन, जल्दी आगे आओ, आगे आओ बेटा, मैं बोल रहा हूँ आगे आओ, मेरी सुनते जाओ, ठीक है? अब अपने बस रुक जाओ, अपने लेफ्ट मुड़ो, राइट लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट, हाँ ये मुड़ो, चलो अपने फिर लेफ्ट मुड़ो, 28 सेकंड, बस बैठ जाओ, 25 सेकंड, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वापस आ गया, आ गया, इसी मिसीद में आ गया, 20 सेकंड अगेन, नीचे, और एक, ओह माय गॉड, राइट मुड़ो, ओह माय गॉड, सीधा, अबे नहीं, अपने लड़का सीख गया है, सीधा, चलो सारे मिलके, नीचे बॉल, आ गया,
आगे चलते जाओ जल्दी जल्दी। मतलब एक उसने गिराई और एक कप्तान ने, उस बेचारे को कोई रोक तो लो, वो बेचारा सीधा सीधा चलता जा रहा है। भाई बॉलें इन्होंने जमा की हैं 3, अब देखते हैं क्या कर पाती हैं सना जावेद और रानी। रानी की आंखों पर बांध दी जाए पट्टी। सना तैयार है आप? जी, जी। 3 बॉलों का रिकॉर्ड है सना, आपने कम से कम 4 बॉलें पिक करवानी है। रानी अगली आवाज जो आप सुनेंगी वो होगी सना जावेद की, और वक्त होगा आप लोगों के पास 1 मिनट का, आपका 1 मिनट का वक्त रानी शुरू होता है। घुमाओ इनको और अभी चलिए जल्दी से स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट 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 ऐसी चलें चलें चलें, अपने उल्टे हाथ पे होते हुए चलें, उल्टे हाथ पे आए और आए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, very good, आगे, आगे, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, खिसके खिसके और बाँ 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 बाँ। अब अपने उल्टे हाथ पे घूम जाएं, घूम जाएं, बॉले जमा कर लिए हमने, अपने अपने घूम जाएं, हाँ बैठे बैठे, बॉले आहिस्ता से आहिस्ता, सीधे हाथ पे बॉले, आपके सीधे हाथ पे, अल्लाह बहन आपका सीधा हाथ अलग है, पीछे पीछे भाई 30 सेकंड आगे आगे करें, आगे हाथ करें, क्या आगे करें, उल्टे हाथ पे आपके बॉल उठा लें, थोड़ा पीछे करें हाथ, पीछे हाथ का, पीछे, अल्लाह अकबर, और एक बॉल उठा लिए बड़ी मुश्किल से, 16 सेकंड रह गए हैं, 15 सेकंड, उल्टे हाथ पे हुए, कैमरा मैन और हुए, सीधे हाथ पे मुड़ गए, स्ट्रेट चले चले आगे चले, वाह रानी वाह, रानी कमाल क्या गुड़िया, और रानी ने इसका मतलब है कराची जीत गया ये वाला गेम। आइए बड़ा बच्चा, आइए हुमायूं सईद पक्के चेहरे बना के देख रहे, देखा कैसा करता हूं, क्योंकि सबके लिए चलो भाई लगाओ रखा ये हुई ना बात, भाई वाह पहला गेम कराची जीत गया। आप घर बैठ के गो लूट लो की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और QR कोड स्कैन करेंगे और 1,00,000 रुपए आप जीत पाएंगे घर बैठे। भाई कराची की शुरुआत अच्छी हो गई है, अगली मोटर बाइक हमारे पास है WB भाई हमारी की तरफ से, और हम कराची से बुलाने जा रहे हैं अदनान को और इस्लामाबाद से जीशान को। आइए बड़े बच्चे आ जाइए जल्दी जल्दी, तोहफे 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 आइए। अलग अलग तोहफे, अलग अलग सिचुएशन, आप देखते हैं क्या हो पाता है। कप्तान अपने प्लेयरों को समझाते हुए, अब देखते हैं कि प्लेयर इनकी बात कितनी सुनते हैं, कितनी गाइडेंस ये दे पाते हैं और कितनी कोचिंग ये ले पाते हैं। वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी। चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, अरे आज जेजे को वैसे ही प्यार आ रहा है, जेजे प्यार करता है, चलते जेजे माँ है हमारी, चलते चलते वक्त गुजरता जा रहा है। बहुत अच्छा, एक सेहतमंद और महफूज जहान WB भाई हमारी, भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं, आखिरी 22 सेकंड रह गए हैं, बहुत क्या बात है हुमायूं सईद, मैट्रिक्स के कैलोरीज लग रहे हैं आज, आखिरी 12 सेकंड सारे मिलके बात है भाई, चार ताले जमा कर लिए, 4 ताले जमा कर लिए, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। सना क्या लगता है कर पाएगा तुम्हारा लड़का या नहीं कर पाएगा? कर तो सकते हैं अगर चाहे तो, आ जाओ फिर लड़के आ जाओ, 5 ताले जमा कर रहे हैं, याद रहे एट अ टाइम 2-3 ताले भी उठा सकते हैं आप। वक्त आपके पास 1 मिनट का, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, चले जल्दी से जल्दी जल्दी, वक्त लड़का जा रहा है, लड़का नीचे झुकी नहीं पा रहा है, लड़के की गर्दन में मसला है, लड़के की कमर रह गई है, वेरी गुड लड़के, अच्छा 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 हो रहा है भाई, अच्छा हो रहा है, कौन सुधरता जा रहा है और अब पूरे जल्दी जल्दी चलते, कौन सुधरता जा रहा है, जल्दी जल्दी
हुआ और ये मोटर बाइक भी जाएगी कराची को। आइए बड़ा से आइए जल्दी जल्दी बैठिए। क्या बैठिए एक सेहतमंद और महफूज जहाज WBY हमारी ये हुई ना बात। स्कोर कुछ यूं है जनाब के 10 रन है कराची के और अभी तक अंडा है आपके पास सना जावेद। अब देखते हैं क्या कर पाती है। अब आगे अगली मोटरबाइक हमारे पास है कुदरत की मोटरबाइक तो फटाफट से बुलाएंगे कराची से सना खोरम को और इस्लामाबाद से हम बुलाएंगे खालदा को। आइए फटाफट से। अरे खालदा और सना का मैच हो गया। आइए आइए अब देखते हैं कौन आता है पहले। हुमायूं सईद पहले कौन आना चाहेगा। पुगम पे आ गए हैं डायरेक्ट। आइए देखिए खुद ही हाथ बढ़ा दिया है पुगम की लड़की लड़की सना आओ पुगम करेंगे। जो पहले निकलेगा वो ही आज खेलेगा। एक दो और भाई एक साथ करो सही से करो। पहले तुम खेलो। मैंने दो खेले ना भाई। पहले तुम खेलोगी आओ पहले तुम खेलोगी। आप देखते हैं क्या करती है सना जावेद की टीम। इस्लामाबाद ड्रैगन्स को बहुत सारी जरूरत है ये वाला गेम जीतने का क्योंकि पीछे चले गए हैं। सना के साथ है खालिदा। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। चलो भाई शुरुआत करेंगे वक्त आपके पास एक मिनट नहीं मैं बता रहा हूँ गौर से सुनो। सबसे पहले एक ऑर्डर में प्लेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ रखेंगे भारी उससे हल्का उससे हल्का उससे हल्का और सबसे हल्का कम से कम टाइम में करेंगे। जितना कम टाइम में करेंगे वो रिकॉर्ड बनेगा अगला तोड़ देगा। तो आप हमें बताएंगे जैसे हो जाएगा हम टाइमर रोक देंगे। वक्त आपके पास एक मिनट का टाइम स्टार्ट नाउ। चलो जल्द से जल्दी जल्दी बॉल गुजरता जा रहा है। चाय का मामला गरम करवा दे वरना मैं कुदरत पे छोड़ दूंगा। ये लो बॉल गुजरता जा रहा है सना। आखिरी 27 सेकंड रह गए हैं। ओके ओके पक्का खालदा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गड़बड़ मत कर देना। आखिरी फैसला है सना आखिरी फैसला है। खालदा माइक उड़ाओ और वहां पर आ जाओ। हुमायूं भाई क्या लगता है सही किया होगा इसने। मेरे ख्याल से इनको और थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए चेक करने के लिए। आप टाइम लेना चाहती हैं और खालदा नहीं लेना। नहीं भाई नहीं तो फिर अगर इन्होंने कर दिया तो फिर तो ये कंफर्म जीती हुई। तो फिर ए सबसे हल्का डब्बा होना चाहिए ये। तो फिर दो गुड। क्या खालदा पर है सना को यकीन। मुझे लग नहीं रहा है 3.5 से ज्यादा होना चाहिए डब्बा। अगर ये टास्क उन्होंने सही किया है तो इन्होंने किया है 28 सेकंड के अंदर। लेट्स सी। तो पे ओवर कॉन्फिडेंस की मार पड़ गई है लगता है। 5 से ज्यादा होना चाहिए अगला वाला डब्बा। आइए देखते हैं ये डब्बा क्या सबसे ज्यादा है या फिर नहीं। तो फिर एक दो और हो गई गड़बड़। हो गई गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई लगता है। गड़बड़ घोटाला हो गया है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। ये होना चाहिए 5 से ज्यादा। तो फिर अब क्या होगा। और अगर ये 5.5 का निकला तो क्या निकला। अगर 5.5 का निकला तो फिर सही होगा। तो फिर एक ऐसा 5.5 हुआ तो ठीक। तो फिर दो। तो फिर ओए यहाँ गलती कर दी। आज इस्लामाबाद की किस्मत नहीं चल रही है। कराची पूरा का पूरा एक मिनट आपके पास है ये कुदरत की मोटरबाइक जीतने का और 5 रन भी जीतने का। तो शुरुआत करेंगे वक्त आपके पास एक मिनट का और आपका एक मिनट का वक्त शुरू होता है अभी। चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी क्या कर रही हो सना तुम आज थोड़ी यार क्या सुने बेचारे उनकी क्या सुन रहे हैं। वो देखो कितना इन्वॉल्व होकर खेल रहे हैं कितना दिमाग लड़ा के शेरवानी पहन के घूम रहे हैं। चेक करो वेडिंग एनिवर्सरी पे बनवाई थी शेरवानी। बॉल कुदरता जा रहा है सही साहब। 37 सेकंड रह गए। जैसे ही हो जाए हमें बता दीजिएगा हम टाइमर रोक देंगे। हुमायूं सईद समझाते हुए दिमाग लड़ाते हुए पूरे एक मिनट। ओके
पक्की बात है, आखिरी 17 सेकंड पड़े इस्तेमाल करने करने, 1 2 3 स्टार्ट करो करो। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एंड में अक्सर गड़बड़ कर देते हैं लोग। आप देखते हैं क्या कर पाती है, क्या कोई तब्दीली करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेट्स सी। तो फिर 5 4 3 2 1 बस। क्या लगता है मेरी बहन, आओ इधर आओ, क्या लगता है सही किया? इंशाल्लाह। सना क्या लगता है सही किया? सही साहब सही किया है मेरे ख्याल। तो फिर 4 से शुरुआत हुई है। सुमरो खुश हुआ है बहन, सुमरो जब जब खुश हुआ है तब तक कुछ गलत ही हुआ है। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। 3.5 तो नहीं। तो फिर 1 नहीं सही है, और पहली डब्बा चेक करते हैं ना। सही है, पहली डब्बा चेक करते हैं, सबसे भारी डब्बा होना चाहिए ये। आइए, और 4.5 नॉट बैड, नॉट बैड, 7 से कम होना चाहिए ये वाला डब्बा। तो फिर 1 2 वेरी वेल डन। अब होगा 6 से कम, यही हमें देखना है। तो फिर 1, तो फिर 2, तो फिर वेरी गुड। अब वो 4.5 होगा तो एक माए भाई, फिर 5.5 तो नहीं हो। अगर ना हुआ तो कैप्टन के दरमियान मुकाबला होगा इन लड़कियों के लिए। तो फिर 1, तो फिर 2, 4 से ज्यादा होना चाहिए ये डब्बा, और 5 से कम होना चाहिए। होगा क्या नहीं होगा कैमरामैन? तो फिर ये लो, आइए हमारे भाई बैठी बड़ भाई, आइए के अंदर सरफराज की रूह आ गई है। हर मैच आप जीत रहे हैं, हर गेम जीत रहे हैं आप। भाई चाय का मामला कुदरत पर छोड़ दो, और कराची का मामला सिर्फ और सिर्फ कराची पर। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। क्या आप घर बैठ के बार बार हाथ धो रहे हैं या फिर नहीं? अगर नहीं धो रहे तो हम इस बाबा से कैसे बचेंगे? अगर हमें बचना है तो WHO के मुताबिक दिन में बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोना आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। तो अपने बच्चों को, खुद भी, अपने बुजुर्गों को बार बार हाथ धोने की तलकीन करें, क्योंकि मिलकर लगाएंगे जान तो ही होगा साफ पाकिस्तान। ये बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि क्या होने जा रही है सिचुएशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूं। गौर से देखिए सना जावेद, क्या हो रही है सिचुएशन। सिचुएशन कुछ यूं है कि 15 रन है क्यू मोबाइल कराची लाइंस के। मेरी अच्छा है, मेरे लाखों रुपए बच रहे हैं। अच्छा यार, हाँ तो कैमरामैन देख रहे हो गुड़िया क्या कह रही है। ये नहीं काटा मैंने गुड़िया के लिए। 2 लाख दूंगी, 2 लाख दूंगी गुड़िया देगी ना गुड़िया। गुड़िया 1 लाख रुपए देगी, 2 लाख देगी गुड़िया, 2 लाख देगी। अगर किसी का कैमरा डिफोकस हुआ, मैं 3 लाख दूंगा। आप तुम लोगों की तो निकल पड़ी भाई अपने हिसाब से। इसका मतलब है मैं नहीं दूंगा भाई। अगला गेम खेलने जा रहे हैं, अगली बोर्ड बाइक है हमारे पास, हबीब और मिल्सी बोर्ड बाइक। हम बुलाने जा रहे हैं क्यों भाई कराची लाइन से वकास और सना को, और हम इस्लामाबाद के लिए बुलाने जाएंगे और बतूल को। आइए आइए, तोपे तोपे आइए मेरी बहन, शानदार खिलाड़ी, और ये है तोपे। आइए तोपो, मेरी प्यारी बहन, आपको आज यहां से अगर हबीब ऑयल मिल्स की मोटर बाइक जीतनी है तो आपने शर्माना नहीं है, आपने ये करना है। ये देखिए, ऐसे खड़े होके ऐसे बॉल फेंकेंगे, और ऐसे वो अपने हाथों पर और सर पे लगे हुए ग्लासेस में ऐसे जमा करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह ही हाफिज है आप दोनों का, और आपका भी सईद साहब। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। मेरी बहन यहाँ है, यहाँ खड़ी होंगी आप, यहाँ पे पीछे पीछे थोड़ा सा, ये यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। वक्त आपके पास 1 मिनट का, आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी। चलिए जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 ओके, बहुत
सच्चे भाई, ये तो फॉर्म में आ गया अचानक से लड़का। ओ माय गॉड, कराची क्या खा के आयो कराची आज? आज ये तो कमाल हो गया यार, सही साहब कमाल में हो गए आज। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, बहुत ही कमाल का खेल है। अरे करने दो बेचारे को जो कर रहा, बाउंसर खा रहे यार, कमाल कर दिया यार, यार कमाल कर दिया। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दिल का मामला है। अभी बॉल में पक गुजरता जा रहा है, सारे मिलके कैमरामैन काउंट डाउन देंगे। ये तो 10, 12 पागलपन की इंतहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बॉलिंग। अब देखते हैं इस्लामाबाद ड्रैगन के खिलाड़ी क्या करते हैं, काम में खड़े उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं। भाभी सिर्फ और सिर्फ 13 बॉलें जमा करनी है। यहाँ पर आ जाएं, फटाफट से आ जाएं, वक्त आपके पास 1 मिनट का। अपने कप्तान की इज्जत आप पकड़ेंगी, अपने कप्तान की इज्जत रख लीजिएगा और आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है। भाभी अभी चले जल्दी से, वाइट बॉक्स से बाहर नहीं आना है। 12 बॉलें जमा करनी है और एक बॉल भी निकाल दी है, कमाल कर दिया है। जल्दबाजी नहीं होना है, मुझे लगता है क्लीन स्वीप होने वाला है आज। आज सना जावेद ऐसे ही मुंह खोल के यहाँ से चली जाएंगी और 2 लाख रुपए भी चले जाएंगे, क्योंकि कैमरामैन मुसलसल देख रहे हैं कि सना जावेद के हाथ से 2 लाख रुपए आए ही आए। पहले एक आदमी गुजरता जा रहा है, या अल्लाह कप्तान डांट रहा है। आखिरी 25 सेकंड रह गए हैं, 22 सेकंड, 20 सेकंड। हुमायूं भाई लगता है गेम पड़ गई है कोई कमाल की। कैमरामैन सारे मिलके काउंट डाउन देंगे। भाई कमाल कर दिया कराची की टीम ने, हार गए। बैठिए 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 फटाफट से। अभी बॉय मिल्स, क्योंकि ये दिल का मामला है। या अल्लाह, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं सना जावेद आपको, आपको जगाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि 20 रन हो गए हैं क्यों बाइल कराची लायंस के। लेकिन आज के गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज जो बैटिंग करेगा, बात बनती है में, उसको कम से कम 6 लाख रुपए का सामान जीतना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है हम इसको मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आज ये लोग 6 लाख रुपए तक का सामान जितवा पाते हैं अपनी टीम को या फिर नहीं जितवा पाते। हम 6 के 6 लोग को यहां पर बुला लेंगे। फटाफट से आ जाइए, बात बनती है कि सारे के सारे लोग आ जाइए। क्यों भाई कराची लाएंगे और औरतें हर तरफ औरतें। और क्या आप बनना चाहते हैं बेस्ट गेमर ऑफ पाकिस्तान? अगर बनना चाहते हैं तो मेन किस बात का है, अपने आप को रजिस्टर करें और फौरन से 1 मिलियन तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। तो देखना यह है लड्डू के कौन है हमारा पबजी गेमर सबसे बड़ा पाकिस्तान का। आज आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमने जिन लोगों को बुलाया है उनके अंदर दिमाग भी है, उनके अंदर खूबसूरती भी है, उनके अंदर टैलेंट भी है, उनके अंदर अदा भी है, उनके अंदर हाइट भी है, उनके अंदर रंग भी है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। क्या ये देखो इतनी सारी खूबियां हैं, सब कुछ तो है इनमें। सबसे पहले हम जिन्हें यहाँ बुलाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की नंबर 1 मॉडल इस वक्त, और पाकिस्तान का हर मैगजीन, पाकिस्तान का हर शूट उनके बगैर अधूरा रहता है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मुश्किल। अरे कैमरामैन तालियां बजाओ, ये भी ईदी देंगी। हेलो मोस्ट हाउ आर यू, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, मुश बैठिए, मुश माइक उठाइए। कैसे मिजाज है आपके? माइक आपके बराबर में पड़ा हुआ, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे? वेलकम टू द शो। आप गालिबन पहली बार आई हैं हमारे शो पर,
वेरी गुड. आज देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आप करती हैं. इतने सारे अवार्ड्स आपने जीत रखे हैं, इतना नाम आपने बनाया है, लेकिन यहाँ का जो काम है ना वो बिल्कुल ही अलग है. अब देखते हैं, कहते हैं मॉडल्स में दिमाग नहीं होता, लेकिन लेटली मॉडल्स ने बहुत प्रूव किया है हमारे साथ एक्टिंग करके, फिल्मों में काम करके और भी बहुत बड़े बड़े काम करके. सो ऐसा अब नहीं लगता कि मॉडल सोचती नहीं है. मुझे ऐसा लगता है मॉडलिंग करना पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो स्टिल एक्सप्रेशन होता है वो इतना मुश्किल होता है. मूविंग एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन तस्वीर खिंचवाना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा आर्ट है. बिना कुछ बोले सब कुछ बता देना ये बहुत बड़ी बात है. कैमरामैन तालियां बजा लो इस बात पे. अच्छा कितनी ईदी देंगी कैमरामैन को ये बता दे. ये सब लालची कैमरामैन है. आई थिंक ये आज के गेम के रिजल्ट पे डिपेंड करता है. अगर आज इनका रिजल्ट अच्छा हुआ तो ये 1,00,000 रुपए की ईदी सब में बांट के जाएंगे. मॉडल्स कंजूस भी होती हैं, हम ये भी गलत साबित कर रहे हैं. ऐसा ही है ना. ओके जरा, तो 1,00,000 रुपए बच्चों यहाँ से और 2,00,000 रुपए वहां से और 3,00,000 रुपए यहाँ से. अब हम जिसको बुलाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान का सुपरस्टार. एक्टिंग उस पे खत्म हो जाती है और सिंगिंग भी उस पे खत्म हो जाती है. और ये वो हसीन आदमी है जो कम से कम 5,00,000 रुपए की ईदी की आसामी है बच्चों, कम से कम. तो बहुत सारी तालियों में हम बुलाएंगे आगा अली को. आइए. हेलो सर. चलो सर. आगा, बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे आज. जी कैसे मिजाज आपके, खैरियत से आप? बिल्कुल, आपको देख के मैं और तवाना फील कर रहे हैं. अब आपको देखकर तवाना हमारे कैमरामैन बहुत फील कर रहे हैं. तो अब अगर आज ये जीते तो बेटा 3,00,000 की हमने लगा दी है, ठीक है सिचुएशन. और यहाँ पर तुम्हारे कितना हमारी डील हुई थी, 1,00,000. देखो फौरन से याद है. वेरी गुड, इंटेलिजेंट फील. 1,00,000 रुपए. अब मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये सब लोग तो आए हैं आपको आबाद करने के लिए, लेकिन एक आदमी है जो कि आते हैं सबको बर्बाद करने के लिए. उनको भी हमने यहाँ पर बुला रखा है. तो बहुत सारी तालियों में हम बुलाएंगे हमारे अपने द वन एंड ओनली अदनान से देखेगा. भाई अब देखते हैं क्या होने जा रहा है. अदनान भाई जिसकी कोनी को छू लेते हैं वो कोयला हो जाता है. अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है. अदनान भाई कैसे मिजाज है आपके? मैं बिल्कुल ठीक. अदनान भाई खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? आज आप 3 में न 13 में आज आप मेहमान है हमारे. आप तशरीफ रखिए, आपको चाय वाय पिलाएंगे सुबह से. प्रेडिक्ट करें, प्रेडिक्ट करें कौन जीतेगा. स्कोर तो देखे, ये जीतेगी या ये जीतेगी. मैं देख रहा था. हाँ मगर गुड़िया ना पीछे से आती है आगे. अचानक से अभी वो हुमायूं ने कमाल किया. हुमायूं ने आज कमाल किया ना. अब कुछ जिता देंगे. आगा अली अगर आपसे पूछा जाए कि आज आप एक तो माइक उठा लें दोनों अपने हाथ में मुस्तकिल. अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम. अदनान भाई सलाम कर रहे हैं आगा अली आपको. अब आप मुझे बताएंगे कि आज आप दोनों किस टीम को सपोर्ट करेंगे. मुश्क आप किस टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे, कराची को या फिर इस्लामाबाद को? वैसे औरत औरत की दुश्मन होती है. सपोर्ट माई होम टाउन. मतलब कराची को सपोर्ट करेगी. औरत ने दिखा दिया है कि दो औरतें एक जगह नहीं रह सकती है. आगा हम मर्दों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं. हम औरतों को भी सपोर्ट कर लेते हैं. हम मर्दों को भी सपोर्ट. तो आगा अली आज सना जावेद आपको सपोर्ट करेंगे. अब मैं चाहता हूँ आप दोनों उठ के यहाँ पर आ जाएं, फटाफट से आ जाएं. आइए जल्दी से आ जाइए क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बहुत हो गई. अब हम करेंगे थोड़ी सी बुरी वाली बातें. बुरी वाली बातें कैसे होंगी? अब ये लोग निकालेंगे लोगों को एक एक करके और उनके ख्वाबों को तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे. ये है वो दो लोग जो कि अब एक एक करके आप लोगों को निकालेंगे. तो इनकी कोई भी तस्वीर किसी मैगजीन में नजर आए फाड़ दीजिएगा, इनका कोई भी ड्रामा नजर आए टीवी बंद कर दीजिएगा. आइए फटाफट से आइए सर, एक एक पर्ची हम निकालेंगे. पहली पर्ची जो हम निकालने जा रहे हैं वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे. आगा और मुश्क उधर आए. अब करना क्या है, द आइडिया इज कि इसके अंदर 3 पर्चियां हैं इस्लामाबाद की, 3 पर्चियां हैं कराची की. Okay. आपको क्योंकि आप कराची को सपोर्ट कर रही हैं, कोशिश करनी है कि आप निकालें
इस्लामाबाद की बच्चियां ताकि वो हमारे साथ ना खेले, आप निकालेंगे कराची की बच्चियां ताकि वो हमारे साथ ना खेले। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन में बिजलियां। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं आप। पहली पर्ची आगा निकालने जा रहे हैं और ये पर्ची हमारे साथ नहीं खेलेगी जी। आगा दिखाइए और ये पर्ची है, और ये पर्ची है नंबर, खोल के दिखाए, खोल के दिखाए, ऐसे नंबर 6 पे और कराची के प्लेयर को बाहर निकाल दिया इस्लामाबाद ने। वेरी वेल डन, गुड गुड। आइए मुश, आप देखते हैं आप क्या कर पाती हैं। पहली पर्ची जो मुश निकालेंगी वो है कौन सी टीम की, निकाले नंबर 4 पे कौन है भाई, और कराची को ही निकाल दिया मुश ने भी। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची रह गई, आगा अगर ये तुमने निकाल दिया तो सना की जिंदगी आसान हो जाएगी, गुड़िया खुश हो जाएगी। बताओ कौन सी है ये पर्ची, और ये पर्ची है, और ये पर्ची है नंबर तो, और कराची बाहर हो गया है, कराची बाहर। मैं जा रहा हूं यार कल या नान खेलने का बाकी। नहीं 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 नहीं, इधर आओ इधर आओ। वाह भाई, वेरी वेल, इसे कहते हैं खेलना। सना जावेद, सना जावेद, सना जावेद गुड़िया कह रही है आज आप खेले मैं नहीं खेलूंगी, और मुश गुड़िया आप वहां आ जाए। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है भाई। अदनान सिद्दीकी आ गए, इस बात का एहसास तो आपको हो ही गया होगा यार। इसमें कोई और पर्चियां भी थी कि नहीं थी? इसके अंदर कोई पर्चियां नहीं, हमेशा मैं निकल जाता हूँ, खतरा लगता है इसमें। अब इसके अंदर चेक करें, चेक करें, चेक करें। अब इसके अंदर 3 पर, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अब 3 पर्चियां रह गई हैं, और ये तीनों की तीनों पर्चियां रह गई हैं इस्लामाबाद की। हम देखना चाहेंगे कौन कौन बाकी, हाथ उठाए जरा तीनों, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5। आप में से कोई एक हमारे साथ खेलेगा, अब वो कौन होगा, पढ़ाइयां शुरू कर दें, जो पढ़ना है यही टाइम है, क्योंकि अदनान सिद्दीकी, पापा अदनान सिद्दीकी आज फैसला करेंगे कि इन तीनों में से कौन खेलेगा। अदनान भाई आइए निकालिए एक पर्ची, ये वो पर्ची है जो हमारे साथ खेलेगी, ये वो पर्ची है जो हमारे साथ खेलेगी, और ये पर्ची है, और ये पर्ची है, खोल के दिखाएं सबको, दिखाएं सबको। नंबर 1 पे आप खेलेंगे हमारे साथ, आइए आइए। वाह वाह बाबा, अदनान बाबा बैठे, आइए आंटी, वाह आइए आंटी। फिर से समझाना चाहता हूं सना एंड हुमायूं भाई आप लोगों को कि अगर 20 नंबर आपको चाहिए तो इनको यहां से 6 लाख से ज्यादा का सामान नहीं जीतना चाहिए। 6 लाख? 6 लाख नहीं नहीं, हम लोग प्लेऑफ में हैं, आप सेमी, आपको किसी ने आज बोला कोई मुझे बोलने दो, आप ज्यादा जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। इनका ड्रामा शुरू हो गया है, ये ऐसे ही कर करके जीत रहे हैं, ये अच्छे होने की एक्टिंग करते हैं ये आदमी, ये मैं जान गया हूं इसको। आपने शोज देखे हैं इससे पहले के, जो मैं कहता हूं वो होता है नहीं होता? वाह, ओह माय गॉड, ज्यादातर। आइए डोनाल्ड ट्रंप, आइए, आपने शो देखे हैं ना, जो मैं कहता हूं वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, वो नहीं होता, मगर आज होगा, आज होगा, आज होगा, आज आप जुनैद बंगाली से तावीज लिखवा के लाए। आंटी माइक उठाइए, क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना किसके साथ आ जाएगी? भाई के साथ। भाई का नाम क्या है आपके? रुबीना। शुजात अली। शुजात साहब आइए, आप शुजात साहब देखे जरा कितनी शुजात, अरे ये शुजात मासूम आदमी है, तो आइए, मुझे लगा कोई ऐसा है कड़क सा आदमी। आइए सर, आइए आइए शुजात साहब, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत खुश आमदेद आज आप दोनों को हम करते हैं। आज आपको मौका मिला है यहाँ से 10 तोला सोना जीत कर जाने का। ये जो दो लोग हैं ये आपकी मदद करने के लिए आए हैं, ये गार्डियन एंजल्स हैं आपके, और ये आप देख रहे हैं ये इविल लोग हैं, ये आप लोगों को गलत गलत मशवरे देंगे, स्पेशली ये आदमी और उनके साथ ये साथ दे रही हैं इनका आज। तो जो ये मशवरे देंगे वो आपने नहीं लेने, जो ये मशवरे आपको देंगे वो आपने लेने। लेकिन अक्सर होता क्या है कि यहाँ से गलत मशवरे आते हैं, यहाँ से सही मशवरे आते हैं, क्योंकि पता किसी को कुछ नहीं है, तो दिमाग इन दी एंड आपने अपना ही चलाना है। पहला सवाल करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आज गेम है क्या, मुश्क आपको भी समझा रहा हूं, आगा तुमको भी समझा रहा हूं, ताकि समझ आ जाए कि गेम क्या है। शुजात साहब आपके सामने 5 डब्बे पड़े हुए हैं, आपने एक एक करके ये डब्बे खुलवाने हैं, वो डब्बे खुलवाने हैं जिनके अंदर कम सोना है, जैसे कि 1 ग्राम वाला डब्बा में खुलवा देना चाहिए, 1 तोले वाला डब्बा में खुलवा देना चाहिए, 3 तोले वाला डब्बा में खुलवा देना चाहिए, 5 तोले वाला खुलवा देना चाहिए, ताकि आखिर में क्या बचे, 7 तोला और 10 तोला। किसी पॉइंट में डब्बा एक्सचेंज कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है 10 तोला आपके पास है तो एक्सचेंज ना करें, अगर आपको लगता है सामने कहीं है तो अपने पास मंगवा लें। ये रखा हुआ डील बॉक्स आपको उस सूरत में मिलेगा जब आप यहां से कम 7 तोला लेकर जाएंगे। ओके
शुजात ओके क्या करते हैं शुजात आप माइक पे बोलो ना आरू प्लांट आरू प्लांट वेरी गुड यार हमारे तो लगाओ यार पानी नहीं आ रहा तीन दिन से बूंदों से नहा रहे हैं हम अजीब कमाल चल रहा है यार हाँ मेरी बहन आप क्या करती हैं मैं टीचर हूँ टीचर है पढ़ाती है मतलब कि आज मामला ठीक है एक तरफ पानी एक तरफ इल्म मतलब कि और क्या चाहिए जिंदगी में आपको हवा पहला सवा हवा चाहिए वेरी गुड वेरी गुड तो मैं हूँ ना वो अभी निकलेगी हवा अभी देखते हैं क्या होने जा रहा है शुरुआत करते हैं सबसे पहला सवाल मेरी प्यारी बहन आपसे करने जा रहा हूँ क्या है आपके डब्बे के अंदर पांच तोला शुजात क्या है माइक पे बोलो तुम्हारा पानी मीठा है या कड़वा है मीठा है तो मीठे रहो ना फिर क्या है कितना है सात तोला बहन कहती है पांच तोला ये कहते हैं सात तोला मिस्टर अली क्या है इसके अंदर तीन तोला सना गुड़िया गुड़िया सात या दस मिस्टर सईद एक तोला मुश्क एक तोला मुश्क बहुत गहरी नजर रखती है एक ग्राम मतलब आप किसी के अच्छे का सोच ही नहीं सकते ना डायरेक्ट आप वहीं से आते हैं मैंने कल कहा था पांच तोला निकला था लेकिन फिर आप भी बाहर निकले मैंने फिर भी यही कहा था कि डब्बा चेंज कर लो नहीं किया आप देखते हैं क्या करते हैं अगर आपके पास पांच तोला है और आपको लगता है सात तोला है तो दस तोला सामने कहीं लगता है ना आपको शुजात कहाँ है ये दस तोला टेल मी नाउ शुजात बहुत कम गो आदमी ही कम्स एंड गोस फोर्थ पे हाँ मैं फोर्थ पे नंबर चार में दस तोला है मतलब कि हम नंबर चार तो नहीं खुलवा रहे क्योंकि उसके अंदर दस तोला है ऐसा ही है ना है रुबीना जी जी ऐसा ही है ना अब हम नंबर चार नहीं खुलवाएंगे तो पहला डब्बा हम कौन सा खुलवाएंगे जिसके अंदर एक ग्राम होगा गुड़िया मशवरा दो मशवरे में बरकत है मशवरा कर रहे हैं आपस में अदनान भाई आपको क्या लगता है इनको पहला डब्बा कौन सा खुलवाना चाहिए इनको खोलना चाहिए नंबर दो क्या होगा नंबर दो में दो के अंदर मेरे ख्याल में एक ग्राम है एक तोला वेरी गुड थैंक यू ये कह रहे हैं नंबर दो खुलवाना चाहिए शुजात आप क्या कहते हैं क्या खुलवाना चाहिए नंबर दो अदनान भाई की बात पे चले गए हैं अब देखते हैं अब जिनकी अपने खिलाड़ियों ने कभी नहीं सुनी आज उनकी सुन रहे हैं आप भाई बुढ़ाए मेरी प्यारी आंटी क्या नाम है आपका आसिया क्या है इसके अंदर पांच तोला आसिया मेरी प्यारी बहन कह रही है इसके अंदर पांच तोला है आगा क्या है इस डब्बे के अंदर आगा खोलने जा रहा हूँ पहला डब्बा आगा सही है सात तोला गुड़िया खोलना है ना जी गुड़िया खोलना है एक सेकंड यार क्या हो गया यार गुड़िया शुजात की बहन बताओ क्या करना है शुजात की बहन तीन कर नंबर तीन पे चले गए आगा नंबर तीन में क्या है आगा व्हाट इज इन नंबर थ्री पांच तोला ओके गुड़िया आपको क्या कह रहे हैं कान में क्या है मुझे कुछ नहीं कह रहे कान में अपने काम से काम रखो समझे बताओ हाँ मुझे दो या तीन में से लग रहा है कि कोई बॉक्स खोलवाना चाहिए वाह वाह वा, क्या बात है वाह बड़ी मेहरबानी कोई एक बताओ ना वो कह रहे दो नंबर दो नंबर दो आसिया आंटी फिर से आपकी तरफ आ गए हैं आप कह रही है इसके अंदर पांच तोला है अगर इसके अंदर पांच तोला हुआ आपको ईमानी के परफ्यूम दूंगा खोलने जा रहा हूँ अदनान भाई आपके कहने पे खुलवा रहे हैं ये लोग ये डब्बा नहीं इन्होंने भी किया मुश्क क्या है डब्बे के अंदर मुश्क माइक पे बोला मुश्क पांच तोला नहीं है सईद साहब क्या है इसके अंदर दस तोला तो फिर दो कैमरामैन जोर से बोलो सईद साहब क्या एटीट्यूड में आए और कुछ कह के चले गए आवाज नहीं आई हुमायूं भाई आपका नाम क्या पता नहीं मैं तो तुक्का लग गया शुजात नाम है शुजात भाई क्या पूरे गेम नहीं देखे फिर भी मेरी बात पे यकीन किया हुमायूं शुजात का आरोप प्लांट लगा हुआ है एंड में पानी तो घर में है टेंशन नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं दस तोला चला गया मेरी बहन दस तोला इस नेल बटा सन्नाटा लड़की ने आप लोगों से दस तोला निकलवा दिया इन्होंने तीन कहा था इन्होंने नहीं कहा तो किसने कहा नाम बताएं मुझे आप आप दोनों ने मिलकर ये काम किया है वेरी गुड गुड वेरी गुड सुनी सुनाई बात पर यकीन करके आप लोग और इस आदमी ने ये
मैंने तो कहा उमर खान का दोस्त ये आदमी यार आपको आते हैं एहसास नहीं हुआ मैंने आप एक लकब मैंने दिया था गुड़िया हाँ उस आफत की पुड़िया को भी तो फोन मिलाए वो शायस्ता को पता करते लेकिन अभी आप उमर खान से फोन पे बात करें पता करें उमर खान आज आपके बारे में क्या कहते हैं आगा अली आपने क्या कहा था क्या मैंने कहा था 7 तोला होगा लेकिन 10 तोला निकाल दिया क्या लगता है आज आप जिता पाएंगे सना जावेद को या नहीं जिता पाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ से कमबैक करेंगे अब क्या है आप लोगों के डब्बे के अंदर रुबीना क्या है आपके डब्बे के अंदर ये जो मैंने कहा 7 है 7 या 5 तुम्हें क्या लगता है 5 तुम्हें 5 लगता है सना क्या लगता है इसके अंदर मुझे लगता है इसमें कम है कम क्या होता है 3 तोला सईद साहब 7 तोला चल रहा है चेक करो आज बात ही ऐसे मोश्क क्या है इनके डब्बे के अंदर मोश्क 7 तोला या 5 तोला अगला डब्बा कौन सा खोलना है हमको ये बता दीजिए मुझे फैसला करें माउंटेन ड्यू बात बनती है डर के आगे जीत है जीत के आगे अदनान भाई बताइए क्या करें ये डब्बा चेंज करवा ले किस से ये करवा ले 5 से ओके ओके अब उसमें 1 ग्राम है उसमें 1 होगा अगर आज ये आदमी चेंज करवाएगा मर्जी की वजह से आप यहाँ से 1 ग्राम लेकर जाती है ना याद रखिएगा अदनान सिद्दीकी इनका नाम है हुमायूं इनकी 2-4 नाइयों की दुकानें भी हैं ये बहुत पाकिस्तान के बड़े एक्टर भी हैं हाई हाँ नाई है पर हाई फाई हाँ 5 खुलवाना चाह रहे हैं आगा अली बताओ 5 में क्या मैंने बोला 5 है क्या उसके अंदर 5 बोला मैंने 5 तोला तो क्यों खुलवा रहे हो 5 में 5 तोला 5 तोला नहीं है उसमें तो क्या है 5 में कम है कम कम क्या होता है 1 ग्राम या 1 तोला या 3 तोला 3 तोला होगा या 1 ग्राम या 1 तोला यार ये क्या आदमी है यार आइए देखते हैं नंबर 5 खोलने जा रहे हैं तो अभी तक कोई ट्रेजर बॉक्स नहीं ले पा रहा है गुजारिश करता हूं कि अगर ट्रेजर बॉक्स आपको चाहिए तो सब कुछ छोड़ना होगा और अभी के अभी ट्रेजर बॉक्स आर या पार लेना होगा अगर चाहिए तो बोलो हाँ अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना तो फिर बोलो हाँ ट्रेजर बॉक्स चाहिए नहीं चाहिए ले लो कीना नहीं चाहिए अदनान में ट्रेजर बॉक्स लेना चाहिए अहमद मेरे प्यारे अहमद क्या हाल है तुम्हारे अहमद मेरी जान कितने कार्ड है आज तुम्हारे ट्रेजर बॉक्स के अंदर एक कार्ड और क्या होगा उसे एक कार्ड के अंदर अगर चाहिए तो बोलो हाँ अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बाय बाय करते हैं अहमद इनको बाय बाय अहमद जा रहा है अहमद चला गया है मैदान से हमने खुद बनफ्स नफीस इनको ये ऑफर दी कि आप ट्रेजर बॉक्स आर्या पार ले इन्होंने ठुकरा दी ये वापस आ गए दोबारा वहीं पे 10 तोला गवा चुके हैं अब देखते हैं अगला डब्बा कौन सा खोलने जा रहे हैं क्या नंबर 5 ही खोलना है फोन मिल गया है दो दिमाग यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे तीसरा दिमाग जो घर पे बैठा हुआ है वो बताएगा हाँ कौन है माइक बताएं अच्छा बताए कौन सा डब्बा खुल पांच शुजात शादी हो गई तेरी तो बेगम से क्यों नहीं पूछता हैं हाथों को कैसा आदमी ओ भाई ओ कियानू रीव्स बैठे हैं आप उधर नहीं मुझे थोड़ा तो बताना बताएं बत क्या बताया आपने मुझे बताएं मैंने ये बोला कि अगर आप ये सोचती हैं कि इसमें 7 है हाँ तो फिर तो इससे कम ही होगा ना हाँ बिल्कुल अब 10 तो निकल गया है हाँ बिल्कुल सही कह फिर आप खुलवा लें अरे नहीं 5 खुलवाना चाहिए 5 खुलवा लें ना 5 खुलवा लें हम नंबर 5 खुलवाने जा रहे हैं शुजात मेरी प्यारी बहन माइक उड़ाओ क्या नाम है तुम्हारा करीमा क्या है इसके अंदर I guess 7 तोला 7 तोला क्या कह रही हो करीमा कह रही है 7 तोला इसके अंदर भाई मासूम है उसको नहीं पता नहीं उसको पता है उसकी आंखों से मैं बता सकता हूँ हाँ पता है ना तुमको करीमा कह रही है 7 तोला रुबीना क्या कर रहा है
खोलना है ना शुजात? शुजात खोलना है, पक्की बात है? चेंज कर लो सना, तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए? चेंज कर ले यार, चेंज अभी बहुत जल्दी है इनके लिए, सही तो टाइम है अभी नहीं, अभी आई थिंक 3 या 5 हो सके कोई। हाँ 3 या 5 में यार, फैसला करो कब करोगे तुम लोग फैसला। 26वां रोजा हो गया। मैं सिर्फ देख रहा हूँ हुमायूं भाई के पास ऐसा कौन सा गणित है, इतना कॉन्फिडेंस इनके पास के पीछे। समीना भाभी है और 3 दिन पहले इनकी शादी की सालगिरह थी, उसके बाद दोबारा फॉर्म में आ गई है माशाल्लाह। भैया गेम ही ऐसा, किस्मत का मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किस्मत जो बता रहे वो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। किस्मत का धनी है ये आदमी, वरना एक्टिंग का तो फिर लोग कहते ही इनके बारे में कि क्या कह रहे हैं। अब बताओ क्या करें, अगला डब्बा 5 सना तुम्हें क्या क्या हो गया सना, सीटी की उड़ गई तुम्हारी सना, लुक अलाइव क्या करना है? अरे कौन सा डब्बा खोलना है, 5 खोलना, ये कह रहा है 5 खोलना। शुजात फिर वो शुरू हो गया कि कौन ये देखो, ये देखो कौन सा खनित है, ये वो रेपो गम की पुगाई। 3 खुलवा रहा है, 3 खुलवा रहा है, 3 खुलवा रहा है भाई, 3 की तरफ चले गए। माइक उड़ाए फटाफट से, मेरी प्यारी बहन क्या नाम है आपका? अफशीन। अफशीन क्या है इस डब्बे के अंदर आखिर? 5 तोला है। 5 तोला पक्की बात? शायद नहीं, देखो होता या नहीं होता, होगा। हम खोलने जा रहे हैं नंबर 3 वाला डब्बा। शुजात तुमने अचानक से सईद साहब की बात मान ली है, याद रहे सईद साहब तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है इस वक्त, क्योंकि सेमीफाइनल का टाइम आ गया है और ये चाहते हैं कि ये आगे जाए। लेकिन मैं खोल रहा हूँ सईद साहब, मैं खोल रहा हूँ। मुश्क क्या है इस डब्बे के अंदर? मुश्क बोलो, मुश्क 5 तोला। इंशाल्लाह कम होगा। 5 तोला अदनान भाई? 7 तोला। अरे आगा आगा 1 तोला। 1 तोला सना गुड़िया 1 ग्राम। तो फिर खोलने जा रहे हैं, ए खोलने जा रहा हूं, तो कैमरामैन सारे मिलके बोलो ओए ओए, वाह वाह नाइस वाह नाइस, क्या बात है क्या बात है। अरे बस बस बाबा, ये कोरोना कब जाएगा बाबा? बाबा बताओ बाबा, इंशाल्लाह जल्दी चल जाएगा, जाएगा जाएगा बाबा, बाबा जाएगा, बाबा कहता है कोरोना जाएगा, देखते हैं। अच्छा खेल रहे हैं, रुबीना फोन पर किसी से मुसलसल वार्तालाप करते हुए, क्या लग रहा है रुबीना, क्या कर रही हो मेरी बहन, माइक पे बताओ। चाचा का फोन है, चाचा क्या कह रहे हैं, क्या चाहता है चाचा? चाचा बोल रहे हैं बाबा का सुनो, बाबा की सुनो, चाचा कह रहे हैं बाबा की सुनो। शुजात किसकी ज्यादा चलती है, उनकी आपकी? माइक पे बताओ। दोनों की चलती, तुम्हारी तो मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ चल रही हो, कहीं नहीं चलती मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ शुजात, इधर पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा? तकरीबन 5 तोला है। 5 तोला है तो 7 कहाँ है, कहाँ है 7? नंबर 6 में है, 5 में है, 4 में है, कहाँ ये है, कहाँ 7 तोला? फटाफट बताओ। वो देखो जैसे चाचा रोज सुबह उठ के बात बनती है, खेलता है ना, इतने मशवरे चाचा दे रहा है। मुझे लगता है 4 में है। 4 में है 7 तोला, ये कह रही है 4 में 7 तोला, ये औरत कह रही है 4 में 7 तोला। इस्लामाबाद की टीम की कप्तान है ये लड़की, हमारे नए ड्रामे की हीरोइन है ये लड़की, बताओ क्या करें? बताएं नहीं, बता क्यों नहीं रही हो? अब 5 को ला लो ना, पहले दिल कर रहा था आप लोगों ने। मैंने क्या किया, मैं क्या यार, मैं हट जाता हूं। ओके यार ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आसिया आंटी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ओके आप याद रखिएगा। 5 खोलना है, नंबर 5 खोलना है, पक्की बात है? बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप, क्या कर रहे हैं अदनान भाई, क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ एक्सचेंज करो उससे। यार एक्सचेंज किससे? 7 तोला अगर होगा तो दे दे उनको, और अगर वो आपके पास एक्सचेंज का ऑप्शन अभी भी बाकी है। 7 तोला बाबा अंतर्यामी है, बताओ क्या करें? मुश्क आई थिंक एक्सचेंज करना चाहिए। अदनान भाई अदनान, आप लोग क्या लगते हैं? नहीं नहीं एक्सचेंज क्या करना चाहिए? एक्सचेंज करना चाहिए 5 के साथ। ये देखिए, ये अदनान का पुनर्जन्म हुआ है तो सही है, आप इसकी बात मान जाए, रीइंकार्नेशन। क्या करें? नंबर 5 से एक्सचेंज करने को कुछ लोग कह रहे हैं, इस तरफ वाले लोग कह रहे हैं कि नंबर 5 खुलवा देना चाहिए, ऐसा इतना खुला तजाद चल रहा है। रुबीना घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल। अच्छा घबराओ फिर, घबराओ, मुझे कोई डब्बा बताओ मैं खोलूंगा। मुझसे पूछ ले, आप अभी क्यों एक्सचेंज करवाने की बात है?
डब्बा खुलवाएं, पता लग जाए कि भाई किसमें क्या पड़ा हुआ। वाह क्या बात है केनी रीव्स, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो कॉमन सेंस में कौन सी, बहुत सीख रहा हूं आज, क्या बात है ना, बनता है बनता है सईद साहब, बनता है आपसे सीखना, बनता है। हां भाई क्या करें, चार या छह में से, चार या छह में, पांच से हट गए हम लोग, आगे तेरी मान ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, इसलिए दूर खड़ा हूं, वो पांच खड़े हुए, अदनान भाई ने पांच से डरा दिया है। नंबर छह, नंबर छह खोलना है, नंबर छह, नंबर छह खोलना है। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका मेरी बहन? किरण। बेटा क्या है इसके अंदर? सात तोला। ये गलत कर दिया। करो सात तोला, ये भी कह रही सात तोला, आओ देखते हैं, ये गलत कर दिया आज इसके अंदर। एक खोलने जा रहा हूँ, दो खोलने जा रहा हूँ, सना फैसला करो। रुके रुके, हम रुक गए, हमारे पास बहुत टाइम है बहन, मुझे नहीं पता एक्चुअली, खुद भी ये बात आप वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं ना, तुक्के लग गए, मैं ये यहाँ पूछ रहे हैं ना, वो समझती नहीं, वो मेरा वो नहीं समझ रही है, आपके आपकी हरकतें हम देख रहे हैं, मुसलसल जो आप जीतने के लिए कर रहे हैं ना, हम सब देख रहे हैं, जीतने के लिए कर रहा हूं मैं भी अपनी किस्मत, हार क्यों नहीं रहे फिर आप बताएं, आप मुझे कहां से हारे, एक ग्राम निकलवाया अभी, अभी एक एक छह में निकलेगा, एक तोला निकलेगा छह में, बाबा सईद कहते हैं कि छह में निकलेगा एक तोला। एक तो ये कैमरा कवर करने का, ये इनसे कोई सीखे ये टैक्ट, मतलब के अपने क्लोज शॉट नहीं बनवाऊंगा, दूसरों के भी खराब करूंगा, क्या जा रहा है ये, वो वाले ये पांच खुले के छह खुले, नहीं ये चार और, चार और छह में कोई एक खुले, कंफ्यूज है चार और आप क्या खोलेंगे, चार या छह, एक मिनट ये बोला ना मैंने, चार या छह, रुबीना अकड़ पकड़ पे आ गए यार, ये क्या लोग हैं यार, हाँ रुबीना, रुबीना से कख नहीं मालूम, ट्रस्ट में मेरी बहन, जो दिल ट्रस्ट में, ये सोना सिर्फ तुम्हारा है रुबीना, ये तुम लेकर जाओगी, यू डिजर्व दिस, यू विल डिसाइड, क्या बात, क्या बात, वाह बहुत, छह खुलवाए, छह खुलवाए, नंबर छह खोले जा रहे हैं, अगर इसके अंदर हुआ सात तोला मेरी बहन तुमको मोटर बाइक दूंगा, मोटर बाइक होगी कुदरत की, खोलने जा रहा हूँ, खोलने जा रहा हूँ, तो कैमरामैन सारे मिलकर बोलो, बहुत अच्छा फैसला, वेरी नाइस, वेरी वेल डन, लेकिन अभी भी ये एक तोला हमें ऐसे ही चढ़ा रहा है, आज यहाँ से आप लेकर जाएंगे या सात तोला, पांच तोला या फिर एक तोला, अब कहाँ है ये एक तोला, अदनान भाई भी आए हुए हैं, अदनान भाई से पूछ लेते हैं, अदनान भाई द ग्रेट, अदनान भाई व्हाट डू यू थिंक, ये एक तोला कहाँ है, बादामी वाला, बादामी वाला, ये इस डब्बे में एक तोला है, इस डब्बे के अंदर एक तोला है, क्या बात कर रहे हैं अदनान भाई, मुश्क, आई थिंक नंबर फोर, नंबर चार में एक तोला है, मिस्टर सईद मुझे लगता है सात तोला है, सात तोला है, सात तोला, एक तोला, एक तोला, ऐसे ही है ना यार, ये इतनी कोई इस वक्त ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये आदमी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मुझे दिस मैन कैन बी अ पॉलिटिशियन, आई एम टेलिंग यू, आई वाउच फॉर हिम, आई विल इवन वोट यू, सईद साहब यू आर गुड एट दिस, वेरी गुड, आई लाइक इट। चाचा का फोन आ गया, चाचा क्या चाहता है, चाचा क्या चाहता है, माइक में बताओ, पूछो पूछो, अच्छा मुझे एक बात बता शुजात, अरे तो नजर आ थोड़ी ज्यादा आएगी कि घर में तुझसे बात कोई करता नहीं है, अब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ शुजात, अगर आज तुम्हारा यहाँ से सात तोला निकलता है, अल्लाह करे इंशाल्लाह अगर सात तोला निकल आता है, तो क्या तुम डील बॉक्स लोगे या फिर तुम सात तोला लोगे, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, डील बॉक्स लोगे, अगर सात तोला निकलता है इनका सना, ये कह रहे हैं ये डील बॉक्स लेंगे, क्या ये सही फैसला कर रहे सना, सही फैसला आगा, अगर इनका सात तोला निकलता है तो ये कह रहे हैं हम डील बॉक्स लेंगे, क्या ये सही फैसला कर रहे हैं आगा, ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्या मतलब है या होता है या नहीं होता, उनकी गेम है उनकी मर्जी पर, मुझे लगता है सात तोला इज गुड इनफ, नहीं लेना चाहिए, नहीं डील बॉक्स नहीं लेना चाहिए, ओके अदनान भाई ये कह रहे हैं कि अगर सात तोला निकला तो हम डील बॉक्स नहीं लेंगे, हम डील बॉक्स लेंगे 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 लेंगे, आपको पता है कि इसमें सात तोला है तो फिर क्यों डील बॉक्स लेंगे, अभी तो पूछ रहे ना, मुश्क मुश्क क्या है इनके डब्बे के अंदर, मुश्क पांच तोला, अदनान भाई सात तोला है, मैं तो कह रहा नहीं है सात तोला, बगैर किसी पॉलिटिक्स लग रहा है कि इसमें सात, इसमें सात आगा, क्या मुझे भी लग रहा है इसमें सात, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले तीन लग रहा था इसके अंदर, नहीं मैंने कहा था लोटे आदमी होना, उसमें 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 तुमने कहा था इसके अंदर तीन, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी रिमाइंड करके तुम्हें, मैं रात को तुम्हें यूट्यूब आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय बाबा, इंस्पायर्ड बाय बाबा, बाबा से इसके अंदर सात तोला है, विच मींस ये भी कह रहे हैं इसके अंदर सात तोला है,
भाई गुड़िया जी, क्या है इसके अंदर गुड़िया? इसमें पांच तो नहीं है, सात या एक तो है। सात या एक है, मतलब चांसेस बहुत अजीब से है। yes. या इधर या उधर। बाबा कह रहे हैं इसको एक्सचेंज करना चाहिए, क्या करेंगे आप? शुजात, शुजात, टेल मी ना, पांच खुलवाने हैं आपको? टेल मी ना, पांच, चार, तीन, दो, एक, डबल बताओ। माइक उड़ाओ। कौन सा डबल? पांच बोलेंगे। तुम्हारा नाम था करीमा, करीमा करीमा क्या है इसके अंदर, जल्दी बताओ। सात तोला। ये कह रही है इसके अंदर सात तोला है। जब से ये औरत यही कह रही है कि इसके अंदर सात तोला है, इसकी कोई सुन ही नहीं रहा और सिर्फ चाचा की सुन रही है। चाचा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? मैं जानना चाहता हूँ ये चाचा क्या चाह रहा है। चाचा का इसमें हिस्सा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा को कुछ मिलना है इसमें से? तो फिर क्यों भाई उसका जब कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब भी फोन करते हैं कुछ फायदा तो होता नहीं। मैं भी हवा में। वो देखो लगी हुई रुबीना चाचा के साथ। भाई बताओ मुझे सना, पांच खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है? जो आपकी किस्मत है वही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और आपकी किस्मत में एक तोला हुआ तो एक तोला ही मिलेगा। खुलवा दें, आपका दिल कर रहा है पांच। इन्होंने कहा नंबर पांच खोलना है। आगा क्या है नंबर पांच के अंदर? आगा होपफुली एक तोला। और आपको क्या लगता है? पांच या एक। अदनान भाई क्या है जब्बे के अंदर? सात। Are you serious अदनान भाई? I am. मुश्क क्या है जब्बे के अंदर? सात। यार ये दो नए लोग बाहर से आए, ये कुछ कह रहे हैं यार, ये क्या गलत कह रहे हैं? ये क्या दुश्मन है आपके? हैं? अच्छा पता किसी को कख नहीं है। पांच या एक तोला। ऐसा करो पांच या एक या नंबर पांच या चार। नंबर चार वाली बहन से पूछो। मैं तो कह रहा हूँ मेरी प्यारी बहन क्या नाम है आपका? फरा। फरा बताओ क्या है तुम्हारे डब्बे में? फरा एक तोला। ये देखो वो सात कह रही है, वो एक कह रही है। अब इनकी आंखें पढ़ो, कौन तुम्हें ज्यादा शरारती, कौन तेज लग रही है? बताओ रुबीना बता दो। क्या ये लोग वाकई जानते हैं? अरे उधर पांच है। अपनी सोच से चार या पांच, नॉट चाचा की सोच। चाचा क्या चाहता है? इनका नाम है शुजात। शुजात एक बार अपनी करवा लो, जो दिल में बोलो वही। शुजात की घर में चलती नहीं है, क्या है सिर्फ पानी निकाल दिल में। नंबर पांच, हम नंबर पांच खोलने जा रहे हैं। रुबीना अब देखते हैं क्या है तुम्हारी किस्मत में। तो फिर तो अगर मैं तुमको ये ऑफर दूं, दादे ऑफर ही देते हैं कि सारे डब्बे छोड़ो और अभी के अभी पूरा का पूरा डील बॉक्स ले ले। सुजात की आंखों में एक अलग सी चमक आई है। हुमायूं सईद की शेरवानी में कुछ रिंकल्स से आना शुरू हो गए। पॉइंट पे लाके आपको इसने ऑफर दी है। अच्छा किया ना मैंने, बहुत अच्छा है ना, कमाल खेला। क्या थैंक यू। मैं सीनियर्स की ऐसी अप्रिसिएशन चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। वेरी गुड। हाँ भाई मुश्क सही फैसला करेंगे ये लोग अगर डील बॉक्स देखे तो। मुश्क बोलो। आई डोंट थिंक इनको डील बॉक्स देना चाहिए। आई थिंक ये लोग आज लकी लग रहे हैं मुझे थोड़ा। यार इसका तो माइक बंद करो यार, यार ये क्या बातें, क्या पट्टियां पढ़ा रही है। डील बॉक्स के अगेंस्ट हूं, जो भी समझाना है यहाँ के समझाओ, टेंशन नहीं लो। हम देखना चाहते हैं तुम वॉक कैसी करती हो। आओ जल्दी आओ, आओ। हाँ भाई अदनान भाई क्या हो रहा है ये? हाँ मुश्क क्या लगता है आपको? डील बॉक्स हो गई? नहीं लेना चाहिए डील बॉक्स। नहीं लेना चाहिए, पक्की बात है? Try your luck. I think it's a lucky day. ये लड़की कह रही है कि आपको डील बॉक्स नहीं लेना चाहिए। मैं तो इनकी बात मानूंगा। आप वहाँ बैठ के भी मान सकते हैं ये बात। आप वहाँ बैठ, आप दोनों वहाँ बैठ के बातें माने, ठीक है? आप देखते क्या होने जा रहा है। डील बॉक्स चाहिए, नहीं माने, आप भी बैठे, आपकी नहीं चले, चलो बैठो वहाँ पे। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। सना जावेद, आर यू हैप्पी विद दिस? या यार कुछ तो जीत आगा। I'm not really happy. I think सात तोला निकल सकता है। आइए डील बॉक्स में क्या होगा? आइए देखते हैं कि आज डील बॉक्स के अंदर कार्ड कितने हैं। रुबीना, let's see. तो देखते हैं कि आज कितने हैं। मुश्क
चलो कार्ड गिनो तो फिर दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 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 कार्ड है आज हमारे पास। अगर यू स्टिल थिंक इनको डील बॉक्स नहीं लेने, ले लो डील बॉक्स, ले लो डील बॉक्स, ले लो। ये लोटा आदमी है भाई, पांच सेकंड पहले कार्ड कितने होंगे उसके अंदर, सेकंड पहले एक बात कर, एक डिब्बा और खुलवाना चाहिए इनको, एक डिब्बा और खुलवाना चाहिए। अगर हमारी बात बन गई है सबसे ज्यादा कार्ड फ्यूजन शुरू करूंगा, डील बॉक्स, डील बॉक्स ही चाहिए, पक्की बात है, डील बॉक्स। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि इन चौदह चौदह कार्ड के अंदर क्या है आज हमारे पास। करीमा मौका ही नहीं मिला ये डब्बा खोलने का, लेकिन आऊंगा, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा करीमा, डब्बा जरूर खोलूंगा। तो फिर आप सबको इमानी के परफ्यूम देंगे, टेंशन नहीं लेनी है, वसीम बादामी को बर्बाद कर देंगे। तो फिर दो, चौदह कार्ड रह गए हमारे पास, आइए खोलने जा रहे हैं। बोश कितना कार्ड, कितने बोश, बोश कितने कार्ड है मेरे पास, चौदह। तो फिर ये लो, स्टार्ट ही सोने से हुआ, स्टार्ट ही सोने से हुआ है, बहुत आला यार, वेरी नाइस। कल ही हमारे जेजे ने वो खाजा एक खाया है, क्या नाम था उसका, मलाई खाजा, मलाई खाजा खा के पगला गए हैं हमारे जेजे। नहीं, मालपुड़ा, मालपुड़ा तो अलग था, मलाई खाजा अलग था, मलाई खाजा मेरे घर से आया था। अब बताओ सही फैसला किया, पक्की बात, चाय पियोगे, चाय पियेगा, पियेगा चाय, पियेंगी आप रुबीना है, चाय चाय, अदनान भाई चाय, मोश चाय, चाय 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 लेके आओ भाई, सबके लिए चाय लेके आओ। कार्ड रह गए मेरे पास, मोश कितने कार्ड रह गए, 13, 13, 13 कार्ड रह गए। फाज चाय वाले की दुकान से सबको चाय पिलाई जाए, आइए देखते हैं क्या है। चाचा क्या कहता है, अब कौन है, मामा, अब भाई है और छोटा, ओके। तो फिर एक दो, और रुबीना कैंप में वापस आ जाओ रुबीना, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। और ये लो, ओके, सो फार सो गुड, डायमंड ब्रेड जो के पाकिस्तान का नंबर वन नेशनल सेलिंग ब्रांड, आइए देखते हैं क्या है। मोश कितने कार्ड रह गए मेरे पास, 12। तो फिर एक, कौन कहता है, कौन कहता है मॉडल्स का दिमाग नहीं है, देखो गिनती चेक करो, गिनती चेक करो, एक दो और ये लो, ओ माय गॉड, एलईडी मारो उसकी तरफ से, वाह क्या बात है। हमारे पास कितने कार्ड रह गए मोश, 11, 11, वेरी गुड। सारे के सारे मॉडल्स तुम्हें देख रहे हैं यार, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। 11 कार्ड मेरे पास रह गए, आइए देखते हैं नंबर 5 वाले डब्बे में क्या था, क्योंकि करीमा काफी परेशान खड़ी है। आओ करीमा, देखते हैं कि क्या है आज इस डब्बे के अंदर। ए तो फिर अदनान भाई क्या है डब्बे के अंदर, 7 तोला। मुश क्या है डब्बे के अंदर, 7 तोला। सईद साहब क्या है डब्बे के अंदर, जब आपने ये ऑफर दी ना तो अब ये 7 होगा लग रहा है। भाई सना क्या है इसके अंदर, 1। आगा 1 तोला। तो फिर एक माउंट एडी बात बनती है, डर की आगे भी है। तो फिर दो, कैमरामैन सारे मिलके बोलो ये। मैं कह रहा था आपसे एक्सचेंज करने को, कह रहा था कि नहीं कह रहा था, सुनी आपने मेरी, पूरे रमजान में आज पहली बार अदनान सिद्दीकी ने सही बात की है। अदनान सिद्दीकी के लिए तालियां बजाओ कैमरामैन, कैमरामैन इधर है, तालियां बजाओ। यही खड़ो के चाचा को सुमरो, सुमरो तुझे ईदी नहीं चाहिए क्या, तो ताली क्यों नहीं बजा, बजा ताली, वेरी गुड। अदनान भाई, अदनान भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, इट्स टू लेट तो, बट इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। अगर 7 तोला आप निकलवा देती तो ये गेम यही खत्म हो जाता, मैं अच्छा आदमी हूं, बचा लिया तुमको। ये चाचा से दूर रहो, चाचा किसी काम का नहीं है, चाचा गलत मशवरे दे रहा है। अब देखते हैं कि कार्ड कितने रह गए मुश्क मेरे पास, 11। गुड गुड, बी अटेंटिव, किसी भी वक्त टेस्ट हो सकता है। आइए देखते हैं अगले 11 कार्ड्स के अंदर क्या है। तो फिर खुश तो बड़ी होगी तुम सना जावेद हैं, तो फिर दो, तो फिर ये लो, ओ केयर की मोड बाइक, नॉट बैड, याद रहे सना, क्यों केयर सबके लिए, और आज आपको जीतने के लिए यहां से कम 6 लाख रुपए से ऊपर का या 6 लाख का सामान जीतना होगा। कार्ड रह गए मेरे पास 10, तो फिर 1,
दो और ये लो। ये क्या है? होम नेस गैस की तरफ से, नॉट बैड। मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है, ये जब शुरू शुरू में सोना निकल जाता है ना तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको अभी के भी ऑफर दे रहा हूं, रिस्क फ्री, सारे कार्ड छोड़ो, ये सारा सामान इसके ऊपर 3 तोला लो। ले 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 देखो ये 1,00,000 रुपए सीधे सीधे ये हो गए, 25-30 हज़ार रुपए, ये 1,44,000 रुपए का सामान है ये, इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ तुमको 3 तोला और, तो ये हो गया 93, 93, 93, तो तुम्हारा बहुत नीचे, तुम हारती हो, इनका फायदा होता है। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, अभी खेलें, अभी 3 तोला चाहिए, नहीं चाहिए 3 तोला, अभी खेलें। रुबीना तुम कितनी मासूम लग रही थी मुझे थोड़ी देर पहले, नहीं हूँ मैं मासूम, नहीं हो, अरे डायरेक्टली नहीं हूँ मैं मासूम, वाह क्या बात है। वसीम बादा भी सुनो सुनो कुछ सीखो, अब देखो ये गया, यही तोले की ऑफर, यही गलत हुआ, आप इसके नीचे ऑफर देंगे? नहीं नहीं नहीं, अब देखते हैं, क्योंकि अदनान भाई ने कहा है नीचे होंगी तो मैं आपको ऑफर देता हूँ अभी के अभी, सिर्फ इनके कहने पर 4 तोला, ये सारी चीजें अभी भी नहीं, अभी कम है, यू डन, ₹5,00,000 का होता सामान, नो मिस्टर सिद्दीकी अभी नहीं, व्हाट्सअप नहीं, क्या क्या पूछे, सना से पूछ, सना सना कप्तान हो तुम, एक्ट लाइक वन, ये कह रहे बेस्ट ऑफर, यार क्या अच्छा आदमी है, इनका समझ नहीं आता ये चाह क्या रहा है, इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज दिस मैन, मैं अभी तक इनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी गहराई है इनके, माइक पे भूल जाए आप, हाँ कितने कार्ड लगे भाई, कार्ड एक टाइम पे मैं भूल जाता हूँ कि जीतना है हारना है, 20 पॉइंट वाला चक्कर खत्म, 9 कार्ड रह गए हैं, जीतना है या हारना है, आज उनका प्यार देखो तुम्हारे लिए, वो कह रही है कि ये जीतनी है इसके कि नहीं, मैंने कहा नहीं जीत, नहीं चाहिए ना, अरे वो तेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तेज है, आप पैसा होना चाहिए, वो बातें कर रही है इस पे रख के बेचारी, ये अपना मंजन है, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, देखो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए ना, खेले खेले, नहीं चाहिए ना, ओके डन, हमने इनको ऑफर दी, आगा याद रखना, आगा मैंने इनको ऑफर दी 4 तोला, ये सारी चीजें, आसिया याद रखिएगा आप भी, इन्होंने ऑफर नहीं ली, मैं ये ऑफर काट रहा हूँ, ये आइए देखते हैं, अब मैं वही करूंगा अदनान भाई जो आपके जहन में चल रहा था, अब देखिए मैं बहुत सख्त दोस्त हूँ, खुश कितने काट रखे मेरे पास, तो फिर 1, 2 और ये लो, ये क्या है, सोगो की तरफ से ब्लेंडर स्टैंड फैन और रिचार्ज मिल रहा है, 4 तोले की ऑफर छोड़ के ये मच्छर मार रैकेट आपने निकाले हैं, ये क्या किया आप, कोई बात नहीं, सही है, सही, सही हुआ, सही है, सही है, अच्छी बात है, आएगा आएगा अभी आएगा, तो फिर अगला कार्ड खोलने जा रहे हैं, मुश्क बताएगी हमको, मुश्क कितने कार्ड रह गए मेरे पास, 8 कार्ड, आइए फिर देखते हैं 8वें कार्ड के अंदर क्या है, तो फिर 1, 2 और ये लो भाई, ये क्या है, GNE की तरफ से ब्लेंडर ग्राइंडर इलेक्ट्रिक कैटल सैंडविच मेकर, क्या करोगे, अपनी बेगम से पूछ ले, कुछ बेगम से भी बात कर ले, जब से खड़ा हुआ है बैंड में और चाचे में घिरा हुआ है, घर भी वापस जाना है, कार्ड कितने रह गए मुश, 7, 7, आइए देखते हैं 7वें कार्ड के अंदर क्या है, 1, 2 ओए, ये बात, हरी डेवलपर्स और बिल्डर्स की मोटरबाइक, चेहरे पे मुस्कुराहटें, बिल्डिंग अ बेटर टुमारो, हनी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, कार्ड रह गए मेरे पास पीछे, मोश 6 कार्ड रह गए, मैं आपको अभी के ले लो अहमद आ गया है एक बार फिर से मैदान में, ले लो, देखते हैं कि अहमद क्या चाहता है, पूरे रमजान में ट्रेजर बॉक्स नहीं लिया, क्या कोई एक ऐसा होगा, एक बार ऐसा हुआ, क्या कोई एक और ऐसा होगा जो कि आज यहाँ से ट्रेजर बॉक्स आर्य पार लेकर जाएगा, फैसला करेंगे, आप प्यारे लग रहे आप ज्यादा प्यारे हो बेटा, कल गिफ्ट लाए थे ना तुम्हारे लिए, है ना, ऐसे ही है ना, ये गिफ्ट लाएंगे, ये भी प्यारे लगेंगे, इनको बोलो प्यारे लग रहे हैं, कल लेके आएंगे, बोलो अदनान भाई प्यारे लग तो रहे, प्यारे लग रहे हैं, मेरी प्यारी गुड़िया कैसी लग रही है जरा ये तो बताओ, ओए होए, आज
ये लेकर आया है ट्रेजर बॉक्स आ गया पार। अगर चाहिए तो सब कुछ छोड़ना होगा, अभी कभी पैसा करना होगा। अगर चाहिए तो बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना। अहमद कितने कार्ड है इसके अंदर? दो कार्ड। ओह माय गॉड, और क्या होगा इन दो कार्ड के अंदर? अहमद कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चाचा को छोड़े, वो फिर से चली गई। अगर इसके अंदर 10 तोला है, अगर इसके अंदर गाड़ी है, तो हम आपसे कहते हैं ले ले। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना? नहीं, दोनों के दिमाग नहीं चल रहे हैं, दोनों के दिमाग नहीं चल रहे हैं, दोनों का सिर्फ और सिर्फ कान चल रहा है। पैसा करो रुबीना, तुमने कहा तुम ना पता नहीं क्या निकले, मासूम नहीं हो, बताओ क्या है, क्या है? रिस्क लेना तो ले लो। रिस्क है? नहीं चाहिए, चलने का नहीं चाहिए। आइए देखते हैं आज ट्रेजर बॉक्स के अंदर क्या था। 1 2 चाहिए तो बोलो हाँ, नहीं चाहिए तो बोलो ना। नहीं, नहीं चाहिए, पक्की बात है। आइए देखते हैं क्या है ट्रेजर बॉक्स के अंदर। मोहम्मद भाई लेना चाहिए इनको ट्रेजर बॉक्स? ट्रेजर बॉक्स लेना चाहिए इनको? नहीं, मेरे ख्याल से इनको रिस्क नहीं लेना। मोश लेना चाहिए इनको ट्रेजर बॉक्स? अदनान भाई लेना चाहिए इनको ट्रेजर बॉक्स? लेना चाहिए। सना लेना चाहिए? वो तो लेना, नहीं, नहीं। लेना तो रोज इसके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है, होता ही है, लेकिन कभी ना हो तो फिर ये बहुत दुखी जाएंगे। आगाली लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? माइक पे बोलो। नहीं तो फिर 1 2 बच्चा है, बच्चा कुछ भी कह सकता है, बच्चे की माननी है, बच्चे पे रहना तो रहो भाई। कार्ड रह गए मेरे पास मुश्क। yes. कितने कार्ड रह गए? चार कार्ड, छह कार्ड रह गए, छह कार्ड रह गए। यार देखा देखा, कुछ तो है ना बात इसमें। अब देखते हैं कि क्या है हमारे इन छह छह कार्ड के अंदर। लेट्स सी, आइए देखते हैं कि क्या है। 1 2 और आओ पहले देखते तुम्हारे डब्बे के अंदर आज क्या था, क्या किस्मत थी आज आप लोगों की। ये तो चाचा जो समझा रहा था, 1 तोला होगा? एक तोला होगा। सना क्या होगा इनके डब्बे? 1 तोला आगा। क्या 5 आए थे? 5 सही था। 1 तोला मोश, 5 तोला अदनान भाई, 1 तोला। आइए देखते हैं क्या था आज इनकी किस्मत के अंदर। तो फिर 1 तो फिर 2 कैमरामैन सारे मिलके बोलो। रोल डिव बच्चा तो गया। नॉट बैड कह रहा था। 5 तोला आपने गवाया है। टोल्ड यू, और आपने टील बॉक्स ऑप्ट किया है। अब देखते हैं कि क्या है इन आखिर के 5 कार्ड्स के अंदर। लेट्स सी। तो फिर 1 2 और ये क्या है? होम थिएटर। सना क्या हिसाब किताब बन रहा है तुम्हारा अभी तक? अभी तक आई थिंक 2 लाख 2,35,000 रुपए ओनली। अभी दिल्ली बहुत दूर है लड़की। आइए देखते हैं क्या होगा इन आखिर के 4 का मुश्क, क्या होगा इन आखिर के 4 कार्ड के अंदर, बताओ। 4 ना? आई डोंट नो, आई थिंक 5। क्या होगा, क्या होगा? गाड़ी नहीं होगी, ये मुझे पता है, मुझे लग रहा है गाड़ी नहीं है। ओह माय गॉड, इसको तो सब पता है भाई। इसी ने बोला था उसमें 7 तोला होगा, वो भी सही था। मैंने 5 तोला बोला था, वो भी सही था। यहाँ 5 तोला होगा, ये भी सही था। लड़की तेज है। मैंने बोला था वहाँ 10 तोला होगा, वो भी सही था। सब सही बोल रहे हैं। हेलो, मैंने भी 7 तोला कहा था उधर, मुझे भी कहा। वाह भाई, आप भी यहाँ, जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं पूरे रमजान में पहली बार अदनान भाई सही ट्रैक पे है।
जब टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं इनका सारा मामला ठीक हो जाता है। आइए देखते हैं इन पांच कार्ड के अंदर क्या है। तो फिर एक दो और ओ माय गॉड, आप दोनों ठीक कह रहे हो। दिस इज रियली गेटिंग इंटरेस्टिंग। अब क्या होगा? तो फिर बैठ गए, बैठ जाओ। आइए देखते हैं कि क्या, आइए देखते हैं क्या है इन चार कार्ड के अंदर। क्या चाहिए आप? कुछ मीठा खाओगे तुम? कोई डील बताए ना। डील मैं देता हूँ, अभी आपको डील देते हैं, हम आपको डील देते हैं अभी के अभी। ये सारे के सारे कार्ड छोड़ो, चार तोला लो, ये सारी चीजें लो। ले 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 ले। 2,35,000 रुपए का ये सामान है आगा। पांच तोला और ये सारी चीजें। 2,35,000 रुपए का ये सामान है, इसके ऊपर चार तोला दे रहा हूँ, 93,000 पर तोला। इसके हिसाब से आप 6,00,000 से ऊपर है। यू पीपल आर गुड टू गो। सोचो क्या करना है। पांच तोला और ये सारी चीजें। फैसला करो क्या करना है। कुछ पीना है, खाना है? मलाई खा जा। फैसला करो क्या करना है। मोश फैसला करो क्या करना है। इनको ये वहाँ जाए, वहाँ जाए, वहाँ वहाँ। सामान 6,500 से ऊपर हो चुका है। इनको बताओ, तो तुम बताओ, मैं क्यों बताऊँ? मेरा क्या कैप्टन तुम हो, मैं हूँ। तुम क्यों नहीं हुआ? हुआ ना भाई। 2,35,000 रुपए का ये सामान हो गया और 3,60,000 रुपए का सोना हो गया, 4,00,000 का सोना हो गया। मेरे ऊपर कैसे हो गया? हवा में हो रहा है क्या? ये क्या है यार? क्या क्या है? हैं? 6,05,000 रुपए का सामान है ये। अगर चाहिए तो बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना। ये जीत जाएंगे। यहाँ ये जीत जाएंगे। हाँ बोलो हाँ, ठीक है, डन डन। हमारी बात बन गई, हमारी बात बन गई। मतलब के आपने ये आखिरी के इतना कोने में जाके कौन सी प्राइवेट बातें कर रहे हो भाई? तुम इधर आ जाओ, हम कौन सा तुम्हारे फोन में घुस के सुन रहे हैं क्या हो रहा है। हमारे पास रह गए आखिर के चार कार्ड। इन्होंने ये चार कार्ड छोड़ दिए हैं और इन्होंने हमसे ले लिए हैं 4 तोला और ये सारी चीजें। हमारी बात बन गई। बोलो रुबीना। हाँ बन गई रुबीना। बोलो हाँ बन गई। जी बन गई, बन गई। बोल बेटा, बोल बोल बोल। बेगम की कॉल आ गई है मुझे लगता है तुझे। बोल क्या चाहता है, क्या बोलो ना। हो गई डील, बन गई डील, डन हो गई। हुमायूं भाई क्या किया, सही किया? यार मेरे ख्याल से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। कौन नहीं लेना चाह रहे? वो या ये? नहीं लेना चाह रहे। नहीं वो या ये? ये कौन है? ये अपनी सना गुड़िया। नहीं सना भी कह रही थी, जहाँ उसको पता लगा कि 2,000 ऊपर हो गए। हालांकि अभी टोटल करेंगे तो 5,000 कम होंगे, लेकिन उन्होंने स्मार्ट मैन, उन्होंने सही किया आपने साथ। मेरे ख्याल सही किया। चक्कर है कि मैंने यहाँ लोगों को गुड़िया आखिरी में दो गुड़िया बच जाता है। इतना ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, बहुत अच्छा। अगर मैं तुम्हें और आगा को ये बताऊं कि तुम लोग अभी 5,000 कम हो तो इनकी मर्जी। अभी बोलो हाँ कि ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना आपको रिस्क में डालना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ सना जावेद चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ जिताना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना देखे, अपना देखे। वो ठीक है, वो वैसे भी जीत जाएंगी। चाहिए चाहिए? अरे आप मुझे, मैंने नहीं देखे ऐसे लोग कुछ और सोच रहे। नहीं लेना ना, अगर आप ना ले तो फैसला करो क्या करना है, फैसला करो क्या करना है भाई। बच्चों बच्चों के काम आएगा, बहुत अच्छा सामान। 6 तोला दे दूं? पागल थोड़ी हूं मैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? दो अपनी जेब से। आखिरी चार कार्ड में आगा क्या? एक तोला और बढ़ा दे, एक तोला और बढ़ा दे। ये देखो बहन, ये देखो, ये रहा एक तोला। अरे अरे ना, अरे तो ले रहे ना। नहीं भाई, सुजात कह रहा है कि कम से कम 5 तोला और ये सब चीजें दे तो डील कर ले। भाई तुझसे बात कर रहा है, तू दे दे। हमने कब मना किया? सही लग रहा है। हमने कब मना? आपस में डील बना लो। आपकी तरफ वो ये ऐसे देख रहा है। दूर होके बात करो मुझसे, दूर होके वहां पे खड़े। क्या हुआ बताओ? इनको जो सही लग रहा है ना, आप रिस्क नहीं लेना ना। वो क्या है? इनको अदनान सिद्दीकी सही लग रहा है, तो सोचो क्या चल रहा है इनके जहन में। आपको 4 तोला और ये सामान चाहिए ना? इनको यही चाहिए तो ये ले ले बस। अगर आपको क्या कह रहे हो, ये देखो, ये आइए देखते हैं क्या है इन आखिर के चार कार्ड के अंदर। खोलने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। इन्होंने डील ले ली है,
क्या हुआ? वो कह रहे हैं हमने डील ले ली, डील ले ली है हमने। भाई आपने पांच तोला बोला, मैंने चार तोले किया। आपको कहा था ना आप नहीं दे। एक बार फिर ट्रेजर बॉक्स आ गया है मैदान पे, अहमद लेकर आ गया है ट्रेजर बॉक्स। फैसला करे क्या आपको ट्रेजर बॉक्स चाहिए। अगर ट्रेजर बॉक्स चाहिए तो बोलना पड़ेगा हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलना पड़ेगा ना। हम आपसे पूछते हैं पूरा का पूरा डील बॉक्स छोड़ो और आर्यपाल ट्रेजर बॉक्स अभी के अभी पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई सब कुछ छोड़ो, ट्रेजर बॉक्स ले ले, तो ले, ले, जो आपकी डील थी हम वही ले 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 ले। कितने कार्ड हैं ट्रेजर बॉक्स में? कार्ड कितने हैं अहमद मियां? मेरे कैमरा के सामने यही खड़े हैं, यहाँ से हिलना नहीं अंदर में। हाँ एक कार्ड, एक कार्ड, और क्या है उस एक कार्ड के अंदर? 10 तोला सोना। तो फिर ले 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 ले। अगर चाहिए तो बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए अहमद पक्की बात है 10 तोला नहीं चाहिए। भाई मुझे आपने देखा इसके अंदर कुछ है, मगर आप रिस्क ना ले। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए ना। अहमद को बाय बाय करेंगे, बाय बाय कर दो अहमद। हमारे पास कार्ड रह गए पीछे चार। मैंने आपको ऑफर दी 4 तोला, आपके भाई ने मुझसे बोला हमें 5। भाई ने बोला, मैंने नहीं कहा। भाई आपका है, मेरा थोड़ी है। तुम आप लेके आई हो उसे, खेलने तो मेरा भाई होता मैं लेके भी नहीं आता इसको, जब से फोन पे लगा हुआ है। मैंने 4 तोले की ऑफर चली, अब मेरी ऑफर, उन्होंने सिर्फ आपसे कहा। अब मेरी ऑफर गौर से सुनो, बहुत सख्त होस्ट हूँ मैं इनसे कह रहा हूँ 3 तोला। ये सारी चीजें नहीं बाहर कोई ऑफर नहीं यार। अरे ये क्या बात हुई, ऑफर कम हो गई? जब हम कह रहे थे तुम लोग क्या कह रहे थे? आप ना बोले, आपने मरवा दिए उच्चा खासा। अरे नहीं, आका अली ने मरवाया है। मैंने कहा अली? अरे नहीं भाई, मैंने गलत मैसेज दे रहा है ये लड़का। इसी में कहा आ गया, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गिनूंगा। अगर 3 तोले की ऑफर चाहिए तो बोलना है हाँ, नहीं चाहिए तो बोलना है ना। 5 4 3 2 1 दो रुके, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आज घर जाना ना मुझे। 4 तोला आपने पहले कहा था, वो डील खत्म नहीं। आपके भाई ने ये नहीं, इन्होंने खत्म नहीं की थी, इन्होंने आपसे से फरमाइश की थी 1 तोला। फरमाइश की थी? फरमाइश क्या होता है? फरमाइश की थी। मैं आपसे कह रहा हूँ 3 तोला, ये सारी चीजें। 4 तोला कायम रहे ना आपके, नहीं चाहिए। आपने 4 तोला कहा था, डील खत्म नहीं हुई। 3 तोले की आज आप वैसे बहुत जल्दी में 3 तोले की ऑफर गई। यार देखे आप हमारी गुड़िया को नाराज कर रहे हैं, मत कर रही है। अब देखते हैं अगला कार्ड क्या। सही कर रहा हूँ ना मैं बहन, सही कर रहा हूँ ना, है ना? तुम दिल से गलत कर रहे हो। आइए देखते हैं, हमने इनको ऑफर दी 3 तोला, इन्होंने नहीं ली। अब देखते हैं आखिर के कितने कार्ड रह गए मुझ मेरे पास। 3। फौरन जवाब मांगता हूँ मैं, हर जगह प्रेजेंट रहना है। अब देखते हैं कार्ड रह गए मेरे पास 4 कार्ड रहे, गलत गलत जवाब दे रहे हो। आइए देखते हैं, ए तो फिर दो और ये क्यों लाई हो? तुझे फरमाइश की थी, फरमाइश नहीं, फरमाइश। मैं तुम्हारी बेगम हूं, तुम मुझसे फरमाइश कर रहे हो? हैं फरमाइश कर रहे हैं। 3 कार्ड रह गए आखिर के, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। हमने इनको ऑफर की थी 3 तोला, ये सारी चीजें। गुड़िया जी, गुड़िया क्या लगता है क्या है इन 3 कार्ड के अंदर? गुड़िया आई डोंट नो, आपने उनके 4 तोला ऑफर क्यों मना की? मैं क्या, मैंने नहीं, मुझे नो मुझे मत कहो इस, ये तो गलती से आपसे फरमाइश किया। क्यों कर रहा है ये आदमी इस उम्र में? अब देखते हैं क्या है इन आखिर के 3 कार्ड्स के अंदर। तो फिर खोलने जा रहा हूं, ए खोलने जा रहा हूं, दो 3 तोला, ये सारी चीजें। हाँ कि ना, सही साहब सीधे हो जाए, आप क्या कर रहे हैं भाई? एक शो हो रहा है, लाइव हो रहा है, क्या करो उनको समझाऊं? जो आपका दिल करे। वो नहीं सुन रहे मेरी, उठ के ज़ॉम्बी की तरह क्या करना है, क्या करना है?
और देखते हैं आज सही साहब एक्चुअली अंदर से चाहते हैं कि जीते और चाहते हैं कि ये लोग ये डील ले ले। अब देखते हैं कितना मना पाते हैं इन लोगों को। चाय चाहिए? चाय तो यार क्या हो गया, आज उनका मैच नहीं है तो क्या हुआ? ऐसे तो वैसे में बजट होता है ना हमारा, जिसका मैच होता है उसके हिसाब से चाय होती है, तो वो चाय कम पड़े ऐसे क्या? फैसला करे आगा अली, आपको क्या करना है? गलत गलत फैसले करवा रहा है आगा अली इनसे। तीन तोला सामान लेना। अब क्या इसने तुम्हें मशवरा दिया, कुछ तो कहा? दुखी कर दिया उसने आपको। नहीं दुखी नहीं हो, घर जाके मुझे लगता है कार्ड के साथ जाना चाहिए। कार्ड के साथ जाना चाहिए, मतलब तीन तोला नहीं लेना चाहिए। ये देखो ये जा रहा है तीन तोला, ये देखो रुबीना। एक सेकंड यार भाई, यार आप कैप्टन की सुने ना, कैप्टन की नहीं सुन रहे? कैप्टन की शुगर लो है ये भाई। हाँ भाई कैप्टन, ये देखो, ये तो कैप्टन। नो लेट देम डिसाइड व्हाट यू वांट। लेट देम, लेट देम, चलो चलो मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? अगर मैं तो एक आम सा आदमी तो फिर टील बॉक्स के सारे कार्ड्स पे जाएं, मेरा क्या ताल्लुक? मैं ना किसी के भले में ना बुरे में, मेरा क्या? हाँ क्या हो, क्या हो? आई गिव अप, आई गिव अप। सना जावेद तब गई है और सना जावेद ने फैसला किया है कि अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। ये है प्रेशर प्लेऑफ्स का। याद रहे आज का मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। आइए देखते हैं, तीन तोला नहीं चाहिए ना, तो फिर एक, तो फिर दो, और इस डब्बे में क्या निकला था? सात। करीमा कौन खुलवाना चाह रहा था ये डब्बा? माइक में बताओ किसका मशवरा था कि ये डब्बा खुलवाए? याद पड़ता तुमको करीमा? ऐसे धुंधला धुंधला सा मैक्सिमम सबका ही था। रुबीना थी वो औरत, मैंने नहीं, बार बार कह रही थी और मैंने खोलने दिया? नहीं खोलने दिया ना, नहीं खोलने दिया। मैं अच्छा आदमी हूं, तुम्हें मुझे अपना भाई बना लेना चाहिए। भाई बदलने की एक्सचेंज ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या बात, आप हैं भाई? फैसला करो, क्या तुम्हें तीन तोला चाहिए, हाँ कि ना? हाँ मशवरा करने के लिए भेज दें। ये ना मशवरा करने लेके, तुम लेके आए? मैं तो नहीं लेके आया। ये थोड़ी ऑफर बढ़ा दे, मैं तो बड़ा, बड़ा दिल रखे आप, ऑफर बढ़ा दे। कम कर दी, मक्खी भी चलेगी चाय में, किसकी चाय है ये? हाँ बताओ भाई चाय। गुड़िया कहाँ टहलती फिर? मैं तो वॉक कर रही हूँ। गुड़िया, गुड़िया कैन को मुश्किन को तीन तोला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि लेना ये लोग चाहिए। रिस्की नहीं लग रहा मुझे, लाइक आई डोंट वांट टू। आपको चार भी बोला था, आप क्यों रिस्क ले रहे? आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो फिर आपकी मर्जी, तो टोटली आपकी मर्जी। और अब देखते हैं कि क्या है इन तीन कार्ड्स के अंदर। याद रहे इन्होंने हमारी तीन तोले की ऑफर नहीं ली। आइए देखते हैं क्या है इन तीन कार्ड्स के अंदर। ए, दो, और ओ, गुड़िया जी, वो देखो चिड़िया, ये क्या हो रहा है? क्या आज कराची, अगर कराची ये वाला गेम जीत जाता है मिस्टर सईद, तो आपके ऑलरेडी कोई 20 नंबर हैं और 20 से मिला के 40 पे चले जाएंगे आप। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बात 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 ये कि मैं चाह रही हूँ कि वो सोना जीत के जाए, रिस्क ना ले। मेरे तो फिर भी पॉइंट्स नहीं बन रहे तो ना? नहीं ले रहे ना तीन तोला, वो ले ही नहीं रहे, ले ही नहीं रहे। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, चार तोला तीन कर दिया, दो करो फौरन, दो करो, दो करो फौरन, दो करो भाई अभी 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 फौरन। फैसला हो गया, दो तोला। इनका नाम क्या था? मैंने आप ही रख लें दो तोला। ओ नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए आखिरी दो गार्ड। तो फिर अल्लाह करे कुछ निकल आए आपका बड़ा। तो फिर तो और खोले जा रहा हूँ सेकंड लास्ट कार्ड, लेट्स सी क्या है इस सेकंड लास्ट कार्ड के अंदर। और वो तेरी खैर, आज अदनान भाई आए हैं, उधर उधर जाए, उधर उधर जाए, उधर जाए। और कल आश्रम खाली हाथ आए थे। अच्छा एक मैं आपको रिक्वेस्ट बताना चाहता हूँ, क्वेटा और पिशावर की टीम का कल मैच है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अदनान सिद्दीकी ना आए। अरे आफत की पुड़िया तो यही बोलेंगी।
अदनान भाई, आप हम किसी की शादी में भी जाएंगे ना, लोग आपको निकाह होने तक अंदर आने नहीं देंगे। यार हमें तो आना भी नहीं है भाई, हम तो चाहते नहीं किसी का निकाह हो अब। ओह गॉड, आखिरी कार्ड रह गया मेरे पास। मुल्श क्या है आखिरी कार्ड के अंदर? यार इनको ऑफर तो दे दो भाई। एक मिनट, मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ लड़की। इसमें गाड़ी तो नहीं है, दैट आई नो। ओह माय गॉड, नहीं है। आई एम श्योर। क्या है फिर इसके अंदर? खजूर और होंगी शायद। सईद साहब क्या है इसके अंदर? यार होने को 10 तोला हो सकता है। और है क्या? नहीं मुझे क्या पता। लेकिन गाड़ी भी हो सकती है, 10 तोला भी हो सकता है, और गाड़ी भी हो सकती है, 10 तोला भी हो सकता है, 1 तोला भी हो सकता है, और जोकर भी हो सकता है। जोकर भी हो सकता है। जहाज जहाज नहीं है हमारे पास? नो जहाज भी है। जहाज भी है। ओके सना जावे जी, क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर? अल्लाह करे कुछ बड़ा, मेरी दुआ है। लेकिन है नहीं ऐसा। आई डोंट नो, अल्लाह करे वो। अदनान भाई क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर? 5 तोला। ओके आगा अली द ग्रेट, आगा और शुजात जब से एक टैग टीम बना के खड़े हुए हैं और सुनी नहीं जा रही है उनकी। आगा क्या चाहते हैं आप? कोई ऑफर दूं मैं? बिल्कुल। मैं नहीं दूंगा। आखिरी कार्ड है मेरे पास। रुबीना, रुबीना क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर? रुबीना बस अब जो भी है ले लेंगे। तो फिर ए कम ऑन मैन, तो फिर दो खोलने जा रहा हूं। माउंटेन ड्यू बात बची है, डर के आगे जीत है, जीत के आगे कुड़िया। तो फिर 3 तोला। ये सारी चीजें गेम है। अभी भी आप क्या बात है इसकी? भाई आप ले लीजिए। क्या बात है, वाह। अपने आपकी मर्जी। एवरी टाइम अगर आपका दिल करता है, गुड़िया पगला गई है। आपको 3 तोले की रन ना मिलने की सूरत में गुड़िया पगला गई। अगर इस कार्ड में कुछ नहीं निकला तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्या अगर इस पे कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं मिलेगा तो बस ये जो पड़ा हुआ ये मिलेगा, 1 ग्राम 3 मोटरबाइक, ये बस। आप क्या गए, रौनक ही चली गई अदनान भाई। क्या 12-12, 13-13 तोला आ रहा था, हमें यकीन था आप आएंगे बर्बाद करेंगे, लेकिन कुछ भी हो फैसला करो। हुमायूं सईद ने अपनी शेरवानी खोल ली है और मैट्रिक्स का भी शॉट देंगे अचानक से। मिस्टर आगा अली द ग्रेट, क्या है इस कार्ड के अंदर? आगा अली द ग्रेट, आगा यहाँ तो इनको इनको कंफ्यूज नहीं करना, इनको यहाँ तो बोलो कि ले लो कार्ड ये। अच्छा मुझे लगता है अब इतनी वीर एट द एंड, तो जो इनके दिल से इनको लग रहा है आप वो जो करना है उनको लग क्या रहा है। अरे हो सकता है गाड़ी जीत के जाए। इस टीम का कैप्टन को आने पहले ये बता दो, ये 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 गुड़िया कुछ बोल रही गुड़िया। मुझे मेरी तो आप सुन ही नहीं रहे यार, तुम तो बिल्कुल गली के बच्चों की तरह रोना शुरू हो गई हो यार। मतलब कि क्या हो गया यार? गली के बच्चे गुड़िया रो रही है। गुड़िया 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 मेरी जगह और कैप्टन बन गए लोग। अब रुबीना फिर चाचा से पूछ के आ गई है? नहीं मैंने अपने हस्बैंड से बात की। फाइनली जी जी फाइनली उन्होंने कहा है बस सही खुलवा लो जो मिल। उन्होंने कहा तुमसे ना हो पाएगा, जो है वो तुम वापस आ जाओ। आइए देखते हैं क्या है, और उसकी मुस्कुराहट बता रही है कि हस्बैंड ने यही कहा है। आइए देखते हैं आगाली क्या इसके अंदर गाड़ी होगी। आगाली माइक का है तुम्हारी है, जो भी है माइक का है तुम्हारा इंशाल्लाह। शुजात क्या इसके अंदर होगी, क्यों माइक गाड़ी इंशाल्लाह। क्या होगा रुबीना इसके अंदर, जो भी है हम ले लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या इसके अंदर। ए खोलने जा रहा हूँ, माउंट एड्यू बात बची है, डर के आगे जीत है आखिरी का। तो फिर दो, तो फिर पक्का। जस्ट अ थॉट, मैंने कहा एक बार पूछ, मेरा तो नौकरी करना काम, मैं तो कर रहा हूँ। गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी अभी कर लिया उन्होंने फैसला, आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने कहा पूछ लूं ऐसे ही जाते जाते। आइए देखते हैं क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर। आसिया, आसिया मेरी प्यारी बहन, आसिया आशिक, आसिया मेरी प्यारी बहन आसिया, क्या लगता है आज आपको क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर? ये रहा माइक आपके पास, क्या है? गाड़ी है, गाड़ी है, इनको लेना चाहिए, इनको लेना चाहिए। करीमा, करीमा गाड़ी है, करीमा कहती है गाड़ी है, और आसिया भी कहती है गाड़ी है। तो फिर ए, तो फिर ले ले। रमजान में अभी तक 20 तोला निकला है? नहीं।
हाईएस्ट कितना निकला? 13 निकला, 15 निकला, 13 13 13 13 13 निकला। आइए देखते हैं क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर। ए तो फिर दो कैमरामैन सारे मिलके बोलो, बोलो जोर से बोलो। अरे रुक पक्का गोल दे, बोल दो यार पक्का 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 गोल दे पक्का। आखिरी फैसला मियां से पूछ लो एक बार फिर से। पहले इतनी गलती हो गई है, खाली भी निकलेगा कार्ड, तुम घर आ जाओ लेकर बस। उन्होंने ये बात, आ जाओ ये बात रहने दो, बस खेलो। नाइस यार, आइए देखते हैं कि आप दोनों आए हिम्मत से खेलें, जीत के जाएं। अल्लाह करे। आमीन आमीन। गुड 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 मंजन, गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आइए देखते हैं क्या है इस आखिरी याद रहे सना। अगर इसके अंदर कुछ बड़ा नहीं निकलता है तो आप हार जाती है, यू विल बी आउट ऑफ द लीग। इस्लामाबाद की नजरें इस औरत पर होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो फिर ए होने जा रहा हूं, तो फिर दो आउट एडी बात करती है, डर के आगे जीत है। अब मुझे खोलने से कोई नहीं रोक सकता, सारे मिलकर बोलो पक्का। अब मैं पूछ एक बार, मुश तुम बताओ पक्का, मुश पक्का। यस ये गोलक बहुत चोर लग रहे हैं मुझे, तो चोर लग रहे हैं। क्या है इस कार्ड के अंदर? मुझे नहीं लग रहा है इस कार्ड में कोई बड़ी चीज है, लेकिन वो लोग चोर हैं तो मैं उनकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी चीज है। मैं ये उम्मीद तो कर सकती हूँ ना, पॉजिटिविटी यू नो। क्या है क्या है? सोना है या गाड़ी है? अच्छा, इसमें जोकर है। वाह, ये कौन सा? ये साहिद साहब, हीथ लेजर क्या? तुम कह रहे थे पहले 10 तोला है, 5 तोला, अब जोकर हो गया। नहीं नहीं, गाड़ी हो गई। आइए इतना अच्छा खेले, इनको मिलनी चाहिए केस आखरी आखरी कार्ड के अंदर। हमारी बोतलें गिरा दो बहन, तुम पीना नहीं, तुम गिरा दो। अब देखते हैं क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर। तो फिर एक, तो फिर दो, तो फिर ये। कोई बात नहीं, ये चीजें तो हैं। मेरी बात नहीं मानी ना आपने? मेरी बात नहीं मानी? कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम लोग खाली आ गए। मतलब है कराची ये वाला गेम जीत गया है, कहीं जाइएगा मत, जीतो पाकिस्तान। वापस आ गए हम लोग एक बार फिर से। अब देखना यह है कि स्कोर कार्ड की क्या सिचुएशन है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको गुड़िया कि आप कहां पर खड़ी हैं। हालात माशाल्लाह, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अंडा बना पाई हैं। और हुमायूं भाई याद रहे आप 40 रन के साथ लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो गेम्स हैं वो हैं कम से कम 30 रन के, तो और कुछ नहीं, तो आप अपनी डिग्निटी सेव कर सकती हैं ये 30 रन जीतकर। लेकिन हुमायूं सईद डायरेक्ट सेमीफाइनल्स खेलेंगे हमारे साथ, तालियां होनी चाहिए हुमायूं सईद के लिए। देखते क्या होने जा रहे हैं। अगली मोटरबाइक की हाशमी बोल की हम बुलाने जा रहे हैं कराची से समरा को और इस्लामाबाद से सुमैया को। आइए बड़ोबर से, आइए जल्दी जल्दी। पहले कौन खेले आप बता दें, आपकी टीम खेले या सईद साहब की टीम खेले? जो भी, जो भी इनकी टीम। आप गौर से देखिए करना क्या है, आपने ये बॉलें ऐसे इसके अंदर डालनी है, जिसने ज्यादा बॉलें इसके अंदर डाली वो ही यहाँ से लेकर जाएगा आज की इस बहोल की मोटरबाइक। और जितने वा वा वा। कम वक्त में वा भाई वा। नजर लगा दी हाँ ओके ओ नाइस, थैंक यू। आपने ये टास्क 25 सेकंड में करना है, इन्होंने 20 सेकंड में किया। वेरी गुड, अब देखते हैं क्या करना है। जितना जल्दी आप बात मेरी तरफ से खेलेगा उतना ही रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ आप मेरी तरफ, मैं तुम्हारे लिए खेलूंगा, टेंशन नहीं लो। वक्त आपके पास एक मिनट का, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। चले जल्दी से, जल्दी पूरा पाकिस्तान रहा है बोल, अंडे नहीं तोड़ने हैं, कुछ करना है, आगा मदद करो, मशवरा दो। अरे बहन एक तो कर लो, सना आज तुम्हारी किस्मत में है।
रोजाना थोड़ी देर में हंसना शुरू कर देगी पागलों की तरह। ये देखो ऐसा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई एक बॉल का रिकॉर्ड है, मुश्क अपनी खिलाड़ी को समझाते हुए अब देखते हैं क्या करती है आप। आइए मेरी बहन, सिर्फ और सिर्फ एक बॉल डालनी है, एक मिनट है आपके पास पूरा, एक मिनट है पूरा, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी जल्दी दो डालिए, दो जा रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा खिलाड़ी के ऊपर आ गया है, देखते क्या कर पाती है ये, देखते क्या कर पाती है। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, आए, आए। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, आए। आखिरी 30 सेकंड रह गए हैं और हो गया यार सना, यार सना क्या खा के हैं, क्या चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी है भाई? भाई घर बैठे लोग गोल लूडो की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, QR कोड स्कैन करें और घर बैठे 1,00,000 रुपए लड्डू जीत सकते हैं आप लोग। अगर आप ये नंबर मैच करते हैं तो याद रहे नंबर मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम 6 नंबर निकालने के लिए जा रहे हैं, ये नंबर मैच करना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहला नंबर, नंबर 4, उसके बाद हम निकालेंगे और पीएम के कोरोना फंड में 20 रुपए डोनेट जरूर करें, बहुत जरूरी है। उसके बाद 13 नंबर 8 और उसके बाद 13 नंबर 40, 13 नंबर 32 और एक आखिरी नंबर 45। फोन नंबर रोज 4 26 8 39 32 45, मतलब के 426 839 3245। ये नंबर अगर आपका मैच करता है तो आप घर बैठे 1,00,000 रुपए जीत गए हैं। अगला गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें आप 2,00,000 रुपए कैश जीत सकते हैं। ये पैसे आपके हैं, आप जीतेंगे तो सना को नंबर मिलेंगे, पैसे आपको मिलेंगे, आप जीतेंगी तो पैसे आपको मिलेंगे और पॉइंट्स मिस्टर सईद को मिलेंगे। फैसला करें अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी साहब पहले कौन खेले? आई थिंक हुमायूं को खेले, हुमायूं को पहले खेलना चाहिए। मिस्टर सईद आइए फटाफट से, अब देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। मुश्क आइए, मुश्क में आपको समझा रहा हूं कि करना क्या है। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, उनके कुछ जवाब हैं, 3 जवाब हैं। आपको लगता है जो सही जवाब है आपने अपने पूरे 2,00,000 रुपए उस जवाब पर रखने हैं। अगर आपको लगता है बी सही है तो बी पर रखने हैं, अगर आपको लगता है सी सही है तो सी पर रखने हैं। अगर आपको लगता है कि 2 में आप कंफ्यूज हैं और उनमें से कोई एक हो सकता है तो आप उन्हें पैसे इक्वली डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फिडेंस, किस पे आपको ज्यादा दिमाग चल रहा है। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही पता नहीं हमें तो तीनों पर अपने पैसे डिवाइड करने पड़ेंगे, बट एवरी टाइम आपको पैसे रखने जरूरी हैं और जीतेगा वही पैसे जो ज्यादा पैसे जीतेगा। जैसे कि अगर आगा आपने जैसे कि अगर आगा ने 1,80,000 रुपए जीते तो आपको 1,90,000 जीतने पड़ेंगे पैसे जीतने के लिए। अगर आपने 2,00,000 जीते तो इनको उससे कम जीतेगी तो ही आप पैसे जीतेंगे, जो ज्यादा पैसे जीतेगा वो यहां से जीत के जाएगा। हुमायूं भाई 10 नंबर आपको मिलेंगे, पाकिस्तान का नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन क्यू मोबाइल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये, इनमें से किस मुल्क के वजीर आजम खातून है? ए कैनेडा, बी इंग्लैंड या फिर सी न्यूजीलैंड। इनमें से किस मुल्क की वजीर आजम खातून है? न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की या फिर इंग्लैंड की या फिर कनाडा की? किस मुल्क की वजीर आजम खातून है? ऑलरेडी पहला सवाल तो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का जवाब होता है। ओके हुमायूं भाई आखिरी फैसला, इन्होंने कहा सी न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है और जवाब न्यूजीलैंड सही जवाब। 2,00,000 रुपए बचा लिए हैं, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। अगला सवाल करने जा रहे हैं, क्यों भाई जीत के दिखाओ। सवाल नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज, भाई गैलीलियो मशहूर माहिरे फलकियात किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? माहिरे फलकियात का मतलब होता है सितारों की चाल, मतलब के एस्ट्रोनॉमर की बात हो रही है। ए इटली, बी ग्रीस या फिर सी स्वीडन। गैलीलियो पिछली गली में रहता है, अब देखना ये गैलीलियो कहां का है भाई। एस्ट्रोनॉमर पता है? अदनान भाई पता है आपको?
यू नो हाँ आइए देखते हैं। साथ पढ़ा था अदनान भाई के गैलीलियो, एक ही क्लास में पढ़ते थे। आपने इटली पे सारे पैसे रख दिए, आर यू सर्टेन अबाउट दिस, आर यू श्योर? पक्की बात है, सितारों पे बिलीव रखते हैं आप? ये पक्की बात, पक्की बात। ये वो माहिर फलकियात है जिन्होंने ये बताया था कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये इटली में थे या फिर ये ग्रीस में थे या फिर ये स्वीडन में थे, लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज, सही जवाब बचा लिया भाई, क्या बात है, वाह वाह। आखिरी सवाल, 2 लाख रुपए मुश्क, अपने 2 लाख रुपए बचाने हैं आपने। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। आखिरी सवाल, क्यों मोबाइल जीत के दिखाओ। एंड द क्वेश्चन इज, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन, ए एटलांटिक ओशन, बी या फिर पैसिफिक ओशन, सी विच वन इट इज? दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? 30 सेकंड है आपके पास ये जवाब देने के लिए मुश्क, ओनली 30 सेकंड्स, आखिरी 20 सेकंड रह गए हैं। आपको अपने ऑप्शन पर और मुझे लगता है इक्वली पैसे रखने लगे हैं बिकॉज दे हैव नो क्लू और दे डू यू डू। आखिरी ए, बस बस लगता है आखिर में कुछ पंगा कर दिया इन लोगों ने भाई। मासला 50,000 रुपए आपने रखे हैं पी यानी कि एटलांटिक ओशन, टाइम इज रन आउट, और 1.5 लाख रुपया आपने रखा है पैसिफिक ओशन पर। पैसिफिक ओशन ठीक है अदनान भाई, विच वन इट इज? पैसिफिक। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब। लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन, सही जवाब। आखिर में 50,000 रुपए का आपको एक नुकसान हुआ इस आदमी की वजह से, मेरे पास तुम हो और ये गुम हो, ये हो गया। अब देखिए आइए, फिर कंफ्यूज आगा आगा एंड सना, आगा एंड सना जावेद, अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। आइए आइए सना यार दूर, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। लेट्स सी क्या हालात होने जा रहे हैं। आगा इन्होंने 1.5 लाख रुपए जीते हैं, सना आप लोगों को जीतने के लिए 1,60,000 रुपए जीतने होंगे तो ही आप पैसे जीतेंगे और तो ही आपको 10 रन मिलेंगे। पहला सवाल करने जा रहे हैं हम आपसे, क्यों बातचीत दिखाओ। चांसलर किस मुल्क के सरबराह को कहा जाता है? ए फ्रांस, अदनान भाई दूर, ए फ्रांस, बी इटली या फिर सी जर्मनी? अदनान भाई जॉगिंग करते हुए वहां जाके बैठ जाए, आप बाज आ जाए, अपनी दफा खेला नहीं जाता। उमर खान देखो यही है वो आदमी, अपने कप्तान को ले जाओ आगे यहां से। नंबर सी पे इन्होंने रख दिया जर्मनी पे। आखिरी फैसला, आखिरी फैसला, आखिरी फैसला, सना का फैसला। पैसे तुम्हारे हैं, पैसे तुम्हारे हैं, पक्की बात है, आखिरी फैसला। 2 लाख रुपए चले जाएंगे, अगला सवाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने कहा सी जर्मनी, चांसलर किस मुल्क के सरबराह को कहा जाता है? इनको लगता है सी जर्मनी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्यों बाय जीत के दिखाओ में क्या ये सही है या फिर नहीं है। आइए देखते हैं, एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। बच गए पैसे, क्या बात है, वेरी वेल डन। जर्मन चांसलर को वहां की पार्लियामेंट मुंतखब करती है जबकि पार्लियामेंट को आवाम मुंतखब करती है। इस वक्त एंजेला मर्केल जो है वो जर्मनी की चांसलर है, 2005 से अभी तक ओहदे पर है। आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, क्यों मोबाइल जीत के दिखाओ। एंड द क्वेश्चन इज, सिकंदर आजम और राजा पोरस की दरमियान मशहूर जंग किस मौजूदा मुल्क में लड़ी गई थी? ए ईरान, बी इंडिया या फिर सी पाकिस्तान? पोरस की मशहूर ये राजा, बताइए क्या कर रहे हैं? सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान मशहूर जंग किस मौजूदा मुल्क में लड़ी गई थी? ये तो बहुत ही भाई, आखिरी आखिरी 22 सेकंड रह गए हैं। राजा पोरस, चलो जल्दी करो, मगर मैं नहीं बताऊं, वक्त गुजरता जा रहा है। पोरस के हाथी तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये हाथी क्या कर पाते हैं। और 7 7
अच्छा एक बात, जीतने के लिए आप लोगों को 1,60,000 जीतने हैं। अरे सही है ना, आज हुमायूं जीत गया। ऐसे ही है ना। हाँ। और ये आप लोगों ने रख दिए हैं 60,000 रुपए इधर और 1,40,000 इधर, मतलब कि अब इज्जत ही बचानी है। आइए देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। ईरान और इंडिया, इन्होंने जवाब दिया और सही जवाब है, सही जवाब मौजूदा मुल्क पाकिस्तान है। पंजाब के इलाके जेलम में लड़ी गई थी भाई, फोरस के हाथी हवास भागता होकर अपनी मौज पे चढ़ गए थे जैसे आप चढ़ जाते हैं भाई। उस वक्त पाकिस्तान नहीं था। अरे ये क्या बात हुई, अभी मौजूदा, अभी मौजूदा, मौजूदा मुल्क, प्रेजेंट कंट्री, पार्टीशन के बाद वो जगह कौन सी थी? मौजूदा 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 सूबे पंजाब। सब कुछ नहीं बोला था जेल। अरे लिखा हो रहा, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मौजूदा मुल्क में लड़ी गई, लिखा हुआ, लिख दिया और ये किया है। आज इन्होंने आखिरी गेम खेलने जा रहे हैं, गोल लूट लो जीत का फंडा। आइए देखते हैं, इज्जतें बचानी है सिर्फ और सिर्फ यार। कराची से हम बुलाने जा रहे हैं खावर को भाई, ये तो मेरा भी रिकॉर्ड टूट रहा है। हम बुलाने जा रहे हैं नईम खान को। आइए नईम खान और खावर, अदनान भाई अब मैं चाहूंगा कि ये वाला सेगमेंट आप होस्ट करें आज, हम और देखें पहला सवाल दूसरा सवाल। ये आप काम बहुत अच्छा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से निकल जाए। आइए देखते हैं क्या हालात है। गोल उड़ लो जीत का फंडा, याद रहे 1,00,000 रुपया आप जीत सकते हैं, 1,00,000 रुपया आप जीत सकते हैं। आपका नाम क्या है सर इसमें गिरामी? नईम साहब। नईम साहब आप हैं और खावर आप हैं, ऐसे ही खावर और नईम। 1,00,000 रुपए आप लोगों के हैं लेकिन नंबर मिलेंगे इन दोनों टीम्स को, वो ऑलरेडी मैच जीत चुके हैं इसलिए अब इज्जतें बचानी है और आपने अपने पैसे बचाने हैं। नईम साहब पहला सवाल करने जा रहा हूं इस्लामाबाद ड्रैगन से, याद रहे सवाल क्या है। हमने गोल उड़लो की एप्लीकेशन पे आम पाकिस्तानियों से कुछ सवाल पूछे, उन्होंने उस एक सवाल के 5 कॉमन जवाब हमें दिए। सबसे आम जवाब क्या हो सकता है किसी भी एक सवाल का एक पाकिस्तानी के जहन के अंदर? आपने वो जवाब देना है जो सबसे कॉमन हो क्योंकि उसका ज्यादा परसेंटेज होगा और बाय द एंड ऑफ 3 क्वेश्चंस जिसका टोटल ज्यादा होगा वो यहां से 1,00,000 रुपए जीत जाएगा और 10 जीत जाएगा। ओके पहला सवाल हम करने जा रहे हैं आज। तुम शो से पहले इब्राहिम से मिली थी ना तुम आज यहाँ पर? हाँ। चाइना का हमजा अली अब्बासी जो था वो यहाँ पे था, वही तुम्हारी जिंदगी में आज ये बाहर लेकर आया है जो तुम्हारे साथ हूँ उससे नहीं, मिलने के बाद। आइए देखते हैं क्या है पहला सवाल। गोल उड़ लो जीत का फंडा एंड द क्वेश्चन इज, आपकी बहन बच्चों समेत आपके घर रहने के लिए आ गई है, बीवी क्या ताने देगी? आगा आपकी बहन बच्चों समेत घर में आकर रह गई, आम पाकिस्तानी क्या लगता है उसकी बीवी क्या ताने देगी उसको? एक घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं, गेस्ट हाउस नहीं। हाँ भाई घर है, कोई सराय नहीं, कोई सराय नहीं, सराय गेस्ट हाउस एक ही बात होती है, सराय गेस्ट हाउस एक ही बात। तुम अपना जवाब दो ना, दिमाग लड़ाओ अपना, बीवी क्या, आम पाकिस्तानी क्या जवाब देगा? जिसके 5 मुमकिन जवाब आते हैं हमारे पास, गोल उड़लो की आपसे हमने पूछ रखे हैं क्योंकि हमने गोल उड़लो से पैसे पकड़ रखे हैं इसलिए। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा ही तो है। हाँ घर पे क्या हुआ, वरना मैं जा रही हूँ। बताओ देगी ना, ताने देगी लिखा है कि ताना क्या देगी बीवी? एक मिनट सईद साहब क्या था बताएं, बेगमात के जवाब यहीं से आते हैं। अच्छे जी सईद साहब क्यों आ गई, के क्यों आ गई, कब कब जाएगी ये, क्यों आ गई ये, क्यों ये तब जाएगी ये क्यों आ गई? हाँ भाई सना खाने का भी हो सकता, क्यों आ गई है, क्यों आ गई है, क्यों आ गई है, कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी? पर ये कोई ताना तो नहीं हुआ ना, कब जाएगी, बहुत बड़ा ताना है भाई। मतलब ताना देव तुम्हारी बहन को लगता है कि ये कोई सिराय है या तुम्हारी बहन, जैसे कि कोई तुम्हारी बहन आई हुई है बच्चों के साथ और अभी एंटरी हुई है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुमसे ये कह रही हूँ कब जाएगी, तुम्हारी हटेगी नहीं, बस देखो यही है ताना है और क्या है, इससे बड़ा ताना और क्या हो? आप मुझे बताओ 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 तजर्बा, खुल के बताए ना, सराय है कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी कहते हैं, कब जाएगी। आइए देखते हैं कब जाएगी, हमारे पास ये जवाब है और अगर है तो इसका क्या परसेंटेज है। गोल लूडो जीत का फंडा, लेट्स सी। हमने इनसे सवाल किया, इनकी बीवी इनकी बहन बच्चों समेत घर आ गई है, अब बीवी कह रही है कब तक ले आई है, क्या कब तक के लिए आई है? बिल्कुल सही जवाब 30% और फिर आ गई
41%, लो बढ़ गया खर्चा 11%, आप खुद ही संभालो 10%, अपने घर से लड़के आई है क्या? अच्छा ये भी एक गेस्ट हाउस नहीं कहा, अच्छा हुआ गेस्ट हाउस नहीं कहा, वरना गेस्ट हाउस में बैठ रहे होते आज सारे। अगला सवाल सईद साहब, मुश्क एंड खावर एंड द क्वेश्चन इज, जीतना गोल उड़ो जीत का फंडा, और सवाल है सोने के अलावा आप अपनी आंखें कब बंद करते हैं? सईद साहब सोने के अलावा, ये सवाल आ चुका है अदनान भाई, आप अपनी आंखें कब बंद करते हैं सोने के अलावा? जब थक जाता हूँ। जब थक जाते हैं आप, थक जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, शो के बीच में थक गए, दुआ मांगते हुए बिगड़ते, दुआ मांगते हुए, नाइस मांगते हुए, यार फैमिली मैन क्या बात है यार, तजर्बे का कोई लेवल बदल नहीं, हालांकि तजर्बा आपके पास नहीं है, क्या बोल रहे हो तुम, थक जाते हैं, थक जाते हैं, तुम लोग अपना बोलो मेरा नहीं, आप थक गए और आप दुआ मांग रहे हैं, दुआ खावर माइक पे बोल खावर, दुआ मांग रहे, दुआ मांग रहे हैं, आइए देखते हैं सोने के अलावा आप आके कब बंद करते हैं, ये सोच रहे होते कि हम यार आपको बड़ी जल्दी सोच आ गई है, आप इन्होंने कहा कि दुआ मांगते हुए, आइए देखते हैं क्या है जवाब हमारे पास है, और अगर है तो उसका क्या परसेंटेज है, दुआ मांगते हुए 34%, सुकून के लिए मालिश करवाते हुए अदनान भाई सोचते हुए 15%, सोचते हुए लोग आंखें बंद कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्शन है, डर के मारे ख्याली पुलाव बनाते हुए, हमारी तरह ख्याली पुलाव बनाते हुए लोग आंखें बंद कर लेते हैं। सना अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या है हारी, आपका तो सवाल नया रिकॉर्ड कायम करने, नया रिकॉर्ड कायम करेगा आप, आइए देखते हैं सिद्दीकी आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, कोई खूबसूरत खातून आपकी गाड़ी को टक्कर मारते तो आप क्या करेंगे? अदनान भाई ये जवाब तो आप देंगे, क्या करते हो तुम, ये तो आपका नंबर दे दो आप, या तो नंबर आप बोलेंगे और मारो, और आप अपना नंबर दे, और मारो मुझे, मारो मुझे, आप अपना नंबर दे या गाड़ी बनवाए, पुलिस को नहीं बुलाओगे? नहीं, पुलिस का क्या काम है इसमें, मैं नहीं बुलाऊंगा, वेरी गुड अदनान भाई, हाँ भाई आगा बोलेंगे आपको, आगा माफ कर देंगे, आगा सना तुम्हें खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, ये हम मर्दों को डिस्कस कर, मुझे लगता है माफ कर, खूबसूरत लड़की ने गाड़ी को टक्कर मार दी, टक्कर मार दी तो क्या करेंगे, बोलेंगे आप कल भी आगे मारिएगा, आप फ्री होंगे, क्या फ्री होंगे, फ्री होंगे ना हम, फ्री होंगे मतलब माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, इतना बड़ा दिल है आदमी, हाँ तुम क्या करोगे, नंबर लोगे कि नहीं लोगे, नंबर लेंगे या, लेकिन आई थिंक माफ कर देंगे, मेजॉरिटी पहले नंबर लेंगे फिर माफ करेंगे ना, नहीं अच्छा माफ कर दिया, बड़े दिल है, आइए देखते हैं कोई खूबसूरत खातून आपकी गाड़ी को टक्कर मार दे तो आप क्या करेंगे, ये कहते हैं कि आप माफ कर देंगे, आइए देखते हैं कितने पाकिस्तानी माफ कर रहे हैं और कितने पाकिस्तानी नंबर पकड़ रहे हैं, लेट्स सी क्या सिचुएशन है, गोल उड़ो जीत का फंडा, और सवाल का जवाब चले कोई बात नहीं कहकर जाने देंगे, क्या बात है, बड़े दिल वाले पाकिस्तानी, औरतों की ड्राइविंग पर लेक्चर देंगे, पूरा खर्चा निकलवाएंगे, उसका फोन नंबर 11% है, पुलिस बुलवाने का चक्कर ही कोई नहीं है, टेंशन ही नहीं, 6%, सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं, गोल उड़ो जीत का फंडा, एंड क्वेश्चन है जीतना, सवाल है आप टीवी की आवाज ऊंची क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप, क्योंकि आप बहरे हैं भाई, कब करते हो माय भाई, नहीं भाई उनसे आपसे क्यों सवाल, हाँ भाई कब ऊंची करते, मुश्क कैंसिल आउट करने के लिए, घर में इतना शोर है कि उसकी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए आप टीवी की आवाज बढ़ा देते हैं ताकि घर में जो कुछ हो रहा है उससे आप अचानक से कट जाए, ऐसा चाहते हैं आप, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, अक्सर देखते हैं टीवी तो घर में कोई अच्छी है तो भाई यार इसकी आवाज बढ़ाना क्या बोल रहा है, अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज बोल रहा हो, कोई इम्पोर्टेंट बात, आदमी कहाँ, हीरा हीरा हुमायूं सईद हीरा, कौन कहता है आपके लिए ऐसी ऐसी बातें, मतलब तजर्बे की माजून है ये, अब देखते हैं आइए देखते हैं आप टीवी की आवाज ऊंची क्यों करते हैं, अच्छा आपने जवाब दिया कि कोई इम्पोर्टेंट बात, जवाब वो कह रही है कि घर की बातें ना सुनने के लिए हम आवाज बढ़ा देते हैं, अब पिक वन, घर की आवाज डिस्ट्रैक्ट कर, बोलो तो सही ना, उधर बोलो ना, इम्पोर्टेंट न्यूज सुन रहे हैं या कोई चीज, इम्पोर्टेंट न्यूज इनके साथ जाएगा, ओके आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है, इन्होंने कहा
कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज, कोई इम्पोर्टेंट बात सुनने के लिए, कोई इम्पोर्टेंट खबर सुनने के लिए आप टीवी की आवाज ऊंची क्यों करते हैं? आइए देखते हैं गोलू डुडू का फंडा में क्या ये जवाब है, और अगर है तो उसका क्या परसेंटेज है। और कोई अहम खबर सुनने के लिए 40%। ओ माय गॉड, तजर्बे की माजून, क्या बात, वाह वाह। अगला सवाल करने जा रहे हैं, सवाल है आपसे आखिरी सवाल, आप लोगों को ये जवाब बहुत तगड़ा देना है ताकि उनको आखिर में मुश्किल हो। एंड द क्वेश्चन इज, आइए देखते हैं क्या है आखिरी सवाल। और सवाल है, आप फूके कब मारते हैं? फूके जब कोई चीज गर्म हो ना, गर्म हो उसको फूके मारते हैं, ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए। हाँ, माइक माइक के बाद मिर्चे लगे जब कुछ खाया हो तो। गुड गुड, आपको क्या हो रहा है? जब मिर्च लगे तो ज्यादा फूके मारते हैं। मिर्च लगती है तो आदमी ज्यादा फूके मारते हैं, कुछ ठंडा करने के लिए आप ज्यादा फूके मारते हैं। एक और भी चीज होती है, वो क्या होती है? डस्ट उड़ानी हो, डस्ट उड़ानी हो तो भी। अब क्या है, तीन चीजें, अब आप डस्ट उड़ा रहे या फिर आपको मूछें लग रही है या फिर आपको 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 ठंडा करना है किसी चीज को, क्या करना है? वो भी कह रहे हैं, बताएं क्या आप? नहीं नहीं, हाँ ठीक 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 आंख, हाँ ठीक है, बस समझो सोशल डिस्टेंसिंग वो है ही नहीं। जब मिर्चें लगती हैं तभी, जब मिर्चें लग जाती हैं, आइए देखते हैं कि आज मिर्चें लगेंगी या नहीं लगेंगी, लेट्स सी। और अगर लगेंगी तो कितनी परसेंट लगेंगी, लेट्स सी। क्या है, आप भूखे कब मारते हैं, गोल लूडो जीत का फंडा। और जवाब है, और जवाब है, और जवाब है, मिर्चें लगने पर 16%। सना जावेद ने कहा दूध या चाय को ठंडा करने के लिए 37%। आज लिखवा के लाई हो तुम बेटा, आज लिखवा के लाई हो तुम। अगला सवाल पूछने की जरूरत नहीं है लेकिन हम पूछेंगे क्योंकि हमारा शो है। आइए देखते हैं क्या है आखिरी सवाल, लेट्स सी। आखिरी, बदतमीजी नहीं करो, आखिरी सवाल, आइए देखते हैं। जो आप अपनी नौकरी कब छोड़ते हैं? मेरे लिए ताली बज रही है भाई, जब आपको निकाल दिया जाता है। मेरे लिए ताली बज रही है, कोई मुझसे भी बुरा हारा है, बॉस बुरा होता है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अच्छी ऑफर मिल रही हो तो, जब अच्छी ऑफर मिल रही हो, कहाँ मिल रही है अच्छी ऑफर? बदतरीन किस्मत तुम लेकर आए हो इधर, जब कोई बेवकूफ बना, जब कोई बेवकूफ। हाँ भाई बताओ, जान के अच्छी ऑफर, जहाँ से अच्छी अच्छी ऑफर? नहीं, बैड बॉस, बुरा अगर बॉस हो तो आप छोड़ देते ना, बुरा बॉस, जे बुरा बॉस। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। अब पैसा क्या, बुरा बॉस ड्रॉप करना है? जब आपको कोई अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी ऑफर कहाँ मिल रही है, अच्छी नौकरी, अच्छी ऑफर, अच्छी ऑफर, अच्छी ऑफर, आखिरी फैसला खबर। गुड, पाकिस्तान में अच्छी ऑफरें हैं, ओके। आइए देखते हैं, लेट्स सी, आप अपनी नौकरी कब छोड़ते हैं? ये कहते हैं जब आप अच्छी नौकरी की ऑफर आ जाती है आपको एक और, तो ही अगर 26% का, अरे भाई, अरे भाई, तजर्बे की माजून हुमायूं सईद, और हो गया काम, बजाओ। सना, मैंने रिकॉर्ड, सिर्फ 2,00,000 रुपए ना देने के लिए जो तुमने आज ये किया है ना, कैमरामैन मुझे हरा दे प्लीज, मुझे कैमरामैन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जब तुमने अनाउंस किया था ना, मैंने कहा अभी आप यहाँ पर आई। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्कोर कार्ड आज का क्या है, ये मशहूर है जमाना स्कोर कार्ड। सना मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर खड़ी हो, और सईद साहब आप यहाँ पर खड़े हो, आइए जरा, सना तुम यहाँ और सईद साहब आप वहाँ, एक तस्वीर जरा खींचेंगे इस स्कोर कार्ड के साथ। मैंने वो भी तो बताया जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया, ये उसी की तस्वीर हो रही है भाई, तस्वीर खींचो, ये तस्वीर खींचनी चाहिए स्कोर कार्ड के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जीतो पाकिस्तान।